देखो जिस तरह पत्ते लगाए वैसे आए ना। लो अब तुम लगाओ। जेदे ही बद बोल गई बेटा तो तू और मैं क्या बद बोलेंगे। अरे जॉर्जी तू अभी तक यही है, क्या हुआ उस काम का जिसके लिए मैंने तुझे भेजा था? अभी जा रहा हूं मास्टर। जॉर्जी ये ले और जल्दी से काम करके आ। जानती हैं कि हम आज यहाँ चंद्रा जी को सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, औरतों के उत्थान और शिक्षा के लिए जो सेवाएं चंद्रा जी ने की है वो तारीफ के काबिल है। मैं नारी समाज समिति की ओर से इनको बधाई देते हुए इनका सच्चे दिल से स्वागत करती हूँ। गिन लीजिए और मेरा 5% कमीशन मुझे दे लीजिए। तुम खुद गिन लो। मैं देख रहा हूं आमदनी के लिहाज से
मेरा कमीशन भी बढ़ना चाहिए। उतना ही खाओ जितना हजम कर सको। आपने कभी सोचा कि आपसे अलग हटकर भी मेरे लिए जिंदगी में बेहतरी और तरक्की के और भी बहुत से रास्ते हैं? और भी रास्ते हैं? कौन से? एक तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी है जो पुलिस रिकॉर्ड में पत्थर पर खुदी हुई लकीरों की तरह महफूज है, और एक तुम्हारी आज की मौजूदा जिंदगी है जिसे मैंने अपने रसूख से कानून की नजरों से छुपा के रखा हुआ। मैं इस पेशे को कभी भी ठोकर मार सकता। किसी भी पेशे को ठुकरा देना बड़ी आसान बात है मेरे दोस्त, लेकिन उस पेशे से की हुई आमदनी से अपना हाथ हटा देना बड़ा टेढ़ी चीज है। और फिर ऐसा शहाना पेशा जिसमें मेहनत, दिमाग, रुपया किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और उस पर ये ठाठ। बढ़िया से बढ़िया शराब, अच्छे से अच्छा खाना, रहने के लिए शानदार कमरा। इसी अंधेरे में रहने की कोशिश करो, रोशनी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें से 95% मेरा हिस्सा तुम्हें बचाने और जिंदा रखने की कीमत है। अगर मेरा हाथ तुम्हारी पीठ पर ना हो तो तुम्हारे ये फुर्तीले हाथ जिनकी सफाई पर तुम्हें इतना नाज है शायद किसी बेरहम जवारी ने कप के तोड़ डाले होते। कौन किसके हाथ तोड़ सकता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हाँ, सिगरेट नहीं, सिगार। घबराओ नहीं, इस बार इनमें इतना नशा नहीं है। दो कश लगाओगे दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। धंधे के मामले में हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं। आज हमारी आबादी 50 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि 1 अरब से भी ज्यादा हाथ। हमारे देश की ये कितनी बड़ी ताकत है इसका हमें अंदाजा नहीं। आपस के भेदभाव, ऊंच नीच और जात पात के झगड़ों को छोड़कर अगर ये 1 अरब हाथ एक साथ देश की उन्नति के लिए काम करे तो आने वाले 5 सालों में इस देश का इतिहास कुछ और ही होगा। ऐसी सुंदर महिला को देश सुधार तथा चक्कर पड़ा हुआ है, इसी तो किसी प्रेमी के बहाव में होना चाहिए। क्यों साहब? क्या बोला? मैं ये बोला कि भगवान ने सुंदरता को प्यार करने के लिए बनाया है, भाषण झाड़ कर लोगों को बोर करने के लिए नहीं। तो पीछे देर किस बात का, आगे बढ़कर अपना राज का बात उसका कान में बोलो। लगा सो शर्ट। अगर हम इस कन्या को सुधारक से कातिल बना दें, पलट कर ऐसी मुस्कुराहट फेंके के दिल बसाए क्या कि रह जाए तो तुम्हारी ट्रम्पट हम उठा के ले जाएंगे आज बड़े शोरों से मुंह ब्यारा बजाने का। जो गरीब आदमी के पेट पे लात मारता है, अपने छोटे छोटे बच्चे लोग भूख से मर जा रहे हैं। शर्त लगाना है तो रुपए पैसे की शर्त, 50 रुपीज 8 किस्त का पड़ो आगे। लेकिन जूता चप्पल में अपना पार्टनरशिप नहीं, ऑलरेडी बल गए सर, लग गई। अगर हम जीत गए तो तुम हमें 50 दोगे, और अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें 100 देंगे। आंटी सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, देख रहे होंगे। अभी तुम स्टेज पे नहीं गई। ये भाषण अच्छा था, दाद देता हूँ, देर से ताली बजाई, माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। निकाल 50 रुपए। काहे का 50 रुपया? गॉड सेव माय हेड, नहीं तो बचा हुआ बाल भी साफ हो जाता। ये बात है जी, ये मत समझिए कि मेरा मतलब गुस्ताखी से था। आपकी स्पीच मुझे वाकई बहुत पसंद आई। आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हो। फिर से धन्यवाद कहते हैं तो क्या खुश हो जाइए। धन्यवाद। वंडरफुल, क्या रकम में लॉकर दिया है? भी माल निकालेगा कि नहीं बेटा? तुमको हमको देना मांगता है, 1 लाख रुपए का लॉकर दे गई। इस गोदाम की रिपोर्ट सुनी है क्या? जी हाँ, अनाज कंदम वगैरह की रिटेल शॉप है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आधी बोरियां चरस, गांजा और अफीम से भरी रहती हैं। हेलो मास्टर, जॉर्जी आया है, दिलवा दूं भरा हुआ बक्सा। जी अच्छा, गणेश दादा दे दो। अच्छा, और मेरे हिस्से के सिगरेट्स कहाँ गणेश दादा? पहले थोड़ा बड़ा हो जा, फिर मांगना अपना हिस्सा। बच्चों को चरस नहीं पीने चाहिए बेटा। अच्छा, कम से कम जाते जाते 2-4 कश तो लगवा। अरे भाई, कोई है गोदाम में? हमें थोड़ा अनाज खरीदना है। खबरदार, जो किसी ने इधर उधर भागने की कोशिश की तो हमने सुना है सड़ा हुआ अनाज बेचते हैं। हमें आपकी तमाम बोरियों की इंस्पेक्शन करनी है।
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुना तुमने, तुम्हारे बेटे जॉर्जी को पुलिस पकड़ी ले गई है। ये मास्टर धन से क्या क्या काम करवाता था। अगर मेरे पास खजाना होता तो मैं जुनी से भी कभी वहां काम नहीं करने देता। जॉर्जी, मेरा बच्चा, ये जूली कहां चली गई? जूली! पापा, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। तुम यहाँ से पी के जाते हो, वहाँ मम्मी को गालियाँ देते हो। तेरी मम्मी तो क्या, आज मैं सारे जहान को गाली दूँ तो उसे भी सुननी पड़ेगी। छोड़ मेरा गिलास, तेरे बेटे जॉर्जी को पुलिस पकड़ के लेगी। तू कहती मैं चुप रहूँ? छोड़ मेरा गिलास, छोड़ते निकलो सारे के सारे बाहर, जितने मेरे बेटे जॉर्जी को जेल भिजवाया है, निकलो। जॉर्जी तो गया है जेल में, लेकिन आप जाके गिरेंगे नाली में। और तू कूले बटकाएगी यहाँ इन सब आरामजादों के सामने। नहीं बटकाऊंगी तो आप कहाँ दिखाएंगे, कहाँ से पिएंगे ये शराब और कैसे खेलेंगे जुआ? नहीं, मत दो इनको। जॉर्जी सिर्फ एक नादान बच्चा ही नहीं बल्कि हमारा साथी भी है, उसे पुलिस के हाथों से बचाना आपका फर्ज है। मेरा फर्ज सिर्फ अपने धंधे की हिफाजत करना है। दुनिया के हर बेवकूफ को अपनी नासमझी कीमत चुकानी पड़ती है। किस कमबख्त ने उसे कहा था कांस्टेबल के पेट में छुरा फोंक दे। पुलिस का रिकॉर्ड साफ रखने के लिए ये जरूरी है कि किसी किस्म का खून खराबा ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नजरों में जॉर्जी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उसकी जिंदगी अब उसकी तकदीर के हवाले है, मेरा उससे कभी कोई वास्ता ही नहीं था। चलो बाहर में चलें, देखें क्या चल रहा है। देखता हूँ कौन मना करता है मुझे शराब। मैंने हजारों रुपए यहाँ बाहर वालों को टिप दिए हैं। मेरी लड़की की नाच की वजह से यहाँ पे लोग हजारों में आते हैं और मेरे बेटे जॉर्जी ने अपनी नन्नी की जान तुम लोगों के लिए दे दी। कहाँ है मास्टर, निकलो बाहर, चक्के से बिठाओ। एक एक बार पुलिस के हवाले नहीं किया तो मेरा नाम जॉन आई। हैरान हूँ कैसे अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंक दिया गया। अब वक़्त राजा, जॉर्जी को पुलिस पकड़ के ले गई और तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या यहाँ का यही बंदोबस्त है तुम्हारा? तुम्हारा अपनी नौकरी, मुझे क्या कहते हो? मास्टर को कहो। Yeah!
ने तो नाक में दर कर दिया है। घर से मेकअप का सामान ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सबसे सीने। कल मेरा सेंट गायब था, आज ऑरेंज लिपस्टिक। कहाँ है ये मैडी? आपने मुझे बुलाया आंटी? आंटी की बच्ची, ये क्या तमाशा लगा रखा है रोज का? मैंने नहीं चुराई आंटी। क्या नहीं चुराई? आपसे ऑरेंज लिपस्टिक। शर्म नहीं आती? ये देख देख देख, ये मेरी ऑरेंज लिपस्टिक नहीं है तो क्या है? तेरे कपड़ों से मेरे सेंट की खुशबू भी आ रही है। निकल जा यहाँ से, गेट आउट। आओ आंटी, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम। अभी तो माता जी के दर्शन के लिए मंदिर भी जाना है। जब तक तुम्हारी ये मेड सर्वेंट इस घर में रहेगी, मैं कभी वक्त से तैयार नहीं हो सकती। मालूम होता है इसलिए कुछ छोप रहा हूँ। आंटी, मैरी का मेकअप करना तो समझ में आता है, लेकिन इस समय भी तुम किसके लिए मेकअप करती, ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। जब मेरी उम्र की हो जाओगी तो अपने आप मालूम हो जाएगा। आजकल के जमाने में मेकअप औरत के बुढ़ापे की लाठी है। चंद्रा बेटी। आई पापा। तुम अपने पापा से मिल लो, मैं 2 मिनट में आई। तुम तो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को भी मात करती हो आंटी। ठीक है, हाँ हाँ, आप मेरी तरफ से 10,000 रुपए दान कर सकते हैं और हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए भी आ जाऊंगी। क्या कहा? मेरी बेटी चंद्रा। हाँ हाँ, उसे भी ले आऊं। जी, मैं चंद्रा बोल रही हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि आज से ही हमारी खादी की नुमाइश का हफ्ता शुरू हुआ है और मैं जरा उस तरफ ज्यादा बिजी रहूंगी। आप ठीक ऐसी कहती पापा की नहीं जा सकूंगी, आपको तो मेरा सारा प्रोग्राम मालूम। वो साहब की तरफ से फिर रख दो यहां। वो साहब की तरफ से। बोले बहुत बहुत शुक्रिया, ये आइसक्रीम उन्हीं की सेहत के लिए अच्छी रहेगी। क्या बोले साहब? उन्होंने नहीं ली। तुम खा लो। गलत जी, ये इस साड़ी कुछ खरीदवाने में मदद कीजिएगा। यहाँ औरतों का सामान मिलता है, मर्दों का नहीं। जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक खास महिला है जिनके लिए खास साड़ी चाहिए और कुछ खास चूड़ियाँ। सब स्वदेशी माल है। कौन सी साड़ी चाहिए? अगर आपने खरीदनी हो तो कौन सी खरीदिएगा? जिनके लिए आप खरीद रहे हैं या तो उनको लेकर आइए और या पहले उनसे पूछ कर आइए कि वो क्या पसंद करेंगी। आपकी पसंद में और हमारी उन खास महिला की पसंद में रत्ती भर का भी फर्क नहीं हो सकता। आपको कौन सा रंग पसंद है? वो नीली साड़ी अच्छी है। और चूड़ियां? मैच करती हुई। नीले में जरा सा ऑरेंज और हरा अच्छा लगेगा। सरला, वो चूड़ियां लाना। साइज क्या है? आप अपने ही साइज की दे दें तो पूरी आ जाएंगी। और साथ में अपने साइज की सैंडल भी दिलवाऊं आपको? पूरी 2 इंच की लंबी हील है उस पर। एक सेकंड में दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। आपने हमारी आइसक्रीम नहीं खाई, हमें हमेशा दुख रहेगा इस बात का। आइसक्रीम का शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, कहिए तो एक और भिजवा दो। देखिए, मैंने उस स्टॉल में एक साड़ी और कुछ खास चूड़ियां पसंद की हैं। पैकेट बंधवा दीजिएगा, कुछ अरसे के बाद ले जाओ। ओ, जरूर जरूर। इस लड़के की सूरत कुछ जानी पहचानी सी मालूम होती है। पुलिस कमिश्नर की बीवी क्या बन गई, जिंदगी भर की मुसीबत मोल ली। अब जहाँ भी जाते हैं मुलजिमों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अरे अंकल, आंटी, आप बोले यहाँ कैसे? भाई, अपनी भतीजे से मिलने, कोई एतराज है? मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा? मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा।
जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जानू। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड डे कहो मेरे दोस्त। जब दुनिया के लिए रात होती है तुम्हारा दिन शुरू होता है, तुम्हें याद? आज नीचे तुम्हारा गेम। माफ कीजिए, मैं बिल्कुल भूल गया। हमारे धंधे में भूल बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तुम्हारी एक भूल तुम्हें जेल भिजवा सकती है, मेरी एक भूल हजारों लाखों रुपए का नुकसान करवा सकती है। और फिर एक जवारी की जिंदगी में औरत और मोहब्बत का जितना भी दखल कम हो बेहतर। ये लो, नीचे जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज की शाम का शहंशाह मैं हूँ, आ जाइए ले जाने जिसको आना है। जूली, मेरे पापा आज फिर जुआ खेल रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? लेकिन आज वो जीत रहे हैं। हाँ ये जरूर नई बात है, लेकिन ऐसी नहीं कि तुम्हारी आंखें आंसुओं में भीगी हुई नजर आए। जूली को पैसा चाहिए और तुम खेलने बैठ गए तो पापा के पास कुछ भी नहीं रहेगा। आज पापा को जीतने का मौका दो ताकि जोजी का केस लड़ने के लिए अदालत का खर्चा उठाया जा सके। मैं जो को जीतने का आज पूरा मौका दूंगा जोजी। इसके अलावा और कुछ? बहुत कुछ। तुमने कभी पूछा भी मैं हमेशा इस तरह तुम्हारी तरफ क्यों देखती हूँ? जोजी, एक दिन आएगा कि मैं भी तुम्हें अपने दिल की पूरी बात बताऊंगा। क्यों
जोगी भाई आई तो भागने लगे, है कोई आने वाला मैदान में? कहाँ है तुम्हारा चैंपियन? बिल्कुल ही सामने खड़ा है तुम्हारे, लेकिन खेलेगा नहीं आज। क्यों? जैसे तुम्हारी जेब में फूल के कुप्पा और 80 रुपयों पे कहाँ छोड़ा है वो खजाना? बाहर दिया नाली में और कहाँ जाएगा जुए का माल। ये लो मैं तुम्हारे लिए नई ताश लाया हूँ, इससे खेलो। नहीं इससे खेलो या पुरानी से, जुआ जो ही का साथ देगा आज। ये लो खेलो। कितने खरीदोगे? 2000। बांटो। नहीं तुम बांटो, नहीं से बांटो। नहीं तुम ही बांटो, पुरानी से बांटो। साथ देती रहिए तुम्हारा शाम भर। पचास की चाल, 100 की ब्लाइंड। ले जा। अरे भाई हमारे लिए बांटो, मुझे रुट रुट मुझे खेलने दो। ए डिसिल्वा, गेट मी विस्के लार्ज वन। ब्लाइंड ब्लाइंड ब्लाइंड, वन मोर ब्लाइंड, चाल ब्लाइंड, चाल ऑफ ब्लाइंड ऑफ। अरे उठे और चाल बहुत चल फेंगे पत्ते। आज पत्ते फेंक दूं जबकि पैसा बरसाती नदी की तरह मेरी तरफ बाहर आए। ब्लाइंड मेरी बात समझ और ज्यादा ब्लाइंड मत कर। आज डर गया चैंपियन हमारे ब्लाइंड से। ये और मेरी बात मान। अबे ये मुझे टेबल के नीचे क्या मार रहा है? मुझे अपने जॉर्जी की कसम आज आखिरी दम तक पत्ते नहीं उठाऊंगा। यही रुपया तो मुझे चाहिए उसे हवालात से बचाने के लिए। आओ बेवकूफ मत बन, अपने पत्ते उठा के देख। डबल ब्लाइंड, ये तूने फिर मारा टेबल के नीचे से। अगर हार जाऊं तो घूसा मेरे मुंह पे देना। ब्लाइंड पास करो बाबा, ब्लाइंड पास करो। बीच में मत पड़ो की आज मुझे अगले पिछले सारे हिसाब साफ करने। डबल ब्लाइंड वाह ले जा, आज तेरा हाथ पकड़ लो बहुत मुश्किल है। कहा था आज की शाम का शहंशाह मैं हूं। ये तुमने क्या किया? I'm sorry जूली। अरे उसे सॉरी क्या कहता है? ये ले अब बात फिर से 400 का है। जूली लगा ले वापस गले में लॉकेट, शर्म नहीं आती लड़की का लॉकेट दांव पे लगाता है। लड़की बेटी है मेरी, बेटी बात। कोई बात नहीं, एक बार फिर से। आप दोनों तुम पहले लॉकेट को साफ कर लो, हम नेक्स्ट गेम खेलेंगे। तुम्हारी बारी है बांटने। शो शो मुझे बेहद अफसोस है जूली। अफसोस तुम करोगे और तुम कर गया था मास्टर। तुमने जॉर्जी को बताया है इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। याद करोगे कि जिसे पाला पड़ा था और पुलिस को भी इतना बेवकूफ मत समझता। और नेकलेस आज इसे ही मेरा कमीशन समझ लीजिए। बहुत भारी कमीशन लेना शुरू कर दिया है अचानक। कमीशन ही तो है, बोनस नहीं जिसका आपने हमेशा वादा किया। लेकिन कभी देने से इनकार नहीं किया। कभी जरूरत पड़ी तो लेने आऊंगा। बच्चा खिड़की पर और किसी की हिम्मत नहीं। सब लोग
लोग मर गए के बच्चे की जान नहीं बचा सकते। जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नर्स, बच्चे की जान बचाने का क्या तुमने ठेका ले रखा था? इसमें अगर तुम्हारी अपनी जान चली जाती तो जहां तुम्हें नहीं जाना होता वहां तुम चले जाते हो। जिस बात में तुम्हें दखल नहीं देना होता उसमें तुम अपना हाथ डाल देते हो। तुम जानते हो तुम्हारे अस्पताल में रहने से मेरा कितना नुकसान होता है। एक्सक्यूज मी सर, आपको दो लेडीज मिलने आई है। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आने दो नर्स, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। मुझे ही नहीं सारे शहर को तुम पर नाज है। अच्छा मैं चलूं, तुम्हारी खैरियत का मैं खुद पता लगाता रहूंगा। हाय, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। शुक्र है भगवान ने तुम्हें बचा लिया। आपका मेकअप तो नहीं बिगड़ गया। अरे आओ ना बेटा, आओ तुम दोनों जरा बातें करो। मैं साथ वाले कमरे में एक मरीज को देख के आती हूँ, अभी आती हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? आप आ गए, हर घाव भर गया। बहुत बहादुर हैं आप। जी वो तुमने जाने किसे देख कर किसकी आवाज सुनकर चांद पर खेलने की हिम्मत आ गई। आपने अपने घर वालों को तो खबर कर दी होगी। इसका घर ही नहीं, उसके घर वाले कहाँ से आएंगे? आपका घर नहीं, कोई रिश्तेदार? कल तक तो नहीं था लेकिन आज लगता है कि कोई है। ये आपके लिए फूल है। इसकी क्या जरूरत थी? सुंदर सुंदर महकते हुए फूल आपके आसपास पड़े रहेंगे तो तबीयत पहलती रहेगी आपकी, आप बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ आप इसी तरह आती रहें, हाल पूछ रहे तो जगमगाहट भी रहेगी हमेशा और महक भी। अरे तुम अभी तक फूल हाथ में लिए खड़ी हो, रख दो सहारे के पास, फिर आइएगा। चलो आंटी। कितने अच्छे फूल हैं तुम्हारी गोद में। तुम्हारे हाथ में भी तो लाल गुलाब है जूली। तुम्हारे लिए लाई हूँ, टेबल पे रख दूँ या कि इन्हीं के साथ सुला दूँ? तुमने तकलीफ क्यों की जूली? मेरी खुशी को तकलीफ समझते हो राजा? ये लाल गुलाब है, जानते हो किस चीज की निशानी है? प्यार की। जूली अपना ये क्रॉस पकड़ ले, मैं तुम्हारे भगवान से दुआ मांगता हूँ कि तुम्हें हमेशा सुखी और खुश रखे। तुम्हें देखती रहूंगी तो हमेशा खुश रहूंगी राजा। मेरी इस हालत में भी। आपके लिए ये फूल बस्केट आई है और साथ में चिट्ठी। जरा खोलो तो नर्स। ये सिर्फ फलों की टोकरी ही नहीं बल्कि मेरे प्रेम का तोहफा है तुम्हारे लिए, मेरी प्रार्थनाओं के साथ। इन्हें खाकर जल्दी से अच्छे हो जाओ। हाउस डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा ठीक 3 हफ्ते बाद हॉस्पिटल वाले तुम्हें छुट्टी देंगे। 3 हफ्ते यूं ही बीत जाएंगे पलक झपकते ही, और मैं तुम्हें लेने आऊंगी। जी मिस्टर राजा को मैसेज भेज दीजिए कि मिस गंगाराम उन्हें लेने आई हैं। मिस्टर राजा, वो देखिए वो सामने चले आ रहे हैं।
आरजू तो हमारी भी है ये, मगर कर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपनी होठों के बन से बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चली ये कैसी हवा, भूले हम घर का पता। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चली ये कैसी हवा, भूले हम घर का पता। अब तो नहीं हमसे होना जुदा, अपनी बाहों का घूंघट उड़ा दे मुझे, प्यार की लाडोली निकल जाए। आरजू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। हो 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 हो, ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। हो ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपनी होठों के बन से बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। पास तो अपने दिन मर जाने का है, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है, अपनी दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सोने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपनी होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। निकल चले यहां से। पुलिस हेडक्वार्टर्स, बांजा नाका पर रहने वाले जोर नाम के एक आदमी का खून कर दिया गया है। उसकी लाश वर्सोवा बीच कस्टम ऑफिस के पास पानी में तैर रही है। सूफा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जो के पास पापा कल से लापता है, रात भर हम उनके इंतजार में सोए नहीं। तुम्हारे पापा जो ने खुदकुशी कर ली। हाँ जूली, तुम्हें कैसे मालूम? तुमसे कभी झूठ बोला है जूली? रो मत जूली, रो मत, ये ले पहन ले इसे, और फिर कभी इसे उतारा तो कभी बात नहीं करना।
वहां भी गई और अभी मेरा मेकअप शुरू ही नहीं हुआ। लिपस्टिक कहां गई? मेरे की बच्ची कहीं फिर हमेशा ड्रॉ में रखती हूँ, टेबल पे पड़ी होती है। आंटी! हाय रे लड़कियों, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। आंटी टाइम क्या हुआ है? अरे आंटी जल्दी करो, ताज में हमारे टेबल रिजर्व हो चुके हैं। ओहो चंद्रा कहाँ है आंटी? मैं आके आती हूँ, तब तक तुम लोग चाय बनाती हो। कमाल है, और मैं सोच रही थी कि हमारे रूम यू सच थच के हाथ में गुलदस्ता लिए अभी से हमारे इंतजारी में ताजमहल होटल के दरवाजे पे खड़े होंगे। सिर्फ इतना बता दो कि क्या पहन रही हो, किस रंग में आ रही हो? हरी साड़ी पहनूं? सुनो, कोई ऐसा रंग पहनो जो बिल्कुल नया लगे, शुद्ध लगे, पवित्र लगे, सुबह की पहली किरण की तरह सुनहरी लगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमारा हुक्म भी मानना होगा। तुम भी सफेद सूट में आओगे, सफेद और पवित्र। ये बहुत टेढ़ा हुक्म दिया आपने सफेद, तो मुझे उधार लेना पड़ेगा। उधार लो, भीख मांगो या चोरी करो। देखिए चोरी करूंगा तो आप मुझसे प्रेम करना बंद कर देंगी, आगे मुझे कभी कभी शक पड़ने लगता है कि मेरी हरकतों से। आपकी सबसे भली हरकत तो समय ये होगी कि आप फौरन कपड़े पहनिए और चले आइए। जो कुछ भी हाथ में आ जाए पहन लो, बस इतना बता दो कि क्या रंग होगा आपके सूट का या जो कुछ भी आप पहन रहे हो। मेरी आंखें इतने सारे क्राउड में से आपको ढूंढ निकालने के लिए बेताब रहेंगी। मैंने काला सूट पहना होगा और लाल नेकटाई, सफेद अगले साल के लिए रखते हैं, अपने हाथों से पहनाइएगा। अच्छा तो ये तय रहा, मेरी निगाहें काले सूट को ढूंढती होंगी और आप मुझे सुनहरी साड़ी में तलाश कीजिएगा। ओके। सुनहरी साड़ी में तलाश कीजिएगा। मुझे मालूम है डाली, क्यों घड़ी घड़ी याद दिलाती हो? इसलिए कि तुम घड़ी घड़ी उधर किसको देख रहे हो? तो जरूरी है कि लिख के कहूं आई लव यू। वैसे बोलो ना कि मुझे किस करो। कर रही हो? वो देख, सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मुझे लिफ्ट दे रहा है। पीछे मुड़ के मत देखना, कॉन्शियस हो जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं अट्रैक्टिव लग रही हूँ ना? अभी हाल ही में मंगली करवा कर बैठी हूँ, अगले महीने शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक लड़कों से आंखें मिलाने की आदत नहीं छूटी। मैं क्या करूँ? ये देख उसने मेरी तरफ क्या फेंका है। Thank you.
हम दोनों को उल्लू बना रहा है। लुट जा, वो गुंडा कहीं का। गुंडा किधर है? निकल जा चुपके से, इंतजार कर रहा है। नमस्ते। ये क्या आंख में चोरी चल रही है? मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, कौन है इस हॉल में? कुछ नहीं अंकल, ये निशा है ना हमारी सहेली, सपने देख रही अपने होने वाले दूल्हा के। और मेरे बाद तूने देखने शुरू कर दिए वो। अगर ऐसे ही झुनझुन का पौधा हो तो घूंघट निकाल कर बैठना था यहाँ डांस हॉल में। अगर उधर लोग तुम्हें कुछ ज्यादा ही घूर रहे हैं तो आओ तुम मेरी जगह पे आ जाओ। हाँ, तू इधर आ जा, तू आ जा, तू उधर जा, तू जा, तू जा, आ जा ना, आ जा ना। क्लोक रूम से होकर आती हूँ। अरे चश्मूर, तू इतनी बड़ी हो गई है, तेरी शादी होने वाली है, तू ये भी नहीं समझती कि किसकी आंखें किधर देख रही है, किसके लिए और क्यों? अब आपकी बारी है लोगों को घूरने की, आज की रात तो रिलैक्स कीजिए, इसे पुलिस स्टेशन मत समझिए। सरा इधर घूमिए, आपके बटन होल के लिए ये पुल कब से रखा है बैग में? अभी तक मुरझाया नहीं। सच्चा प्यार कभी मुरझाता नहीं। देखना सिर्फ इतना है कि किसका प्यार ज्यादा सच्चा है। आपकी बार, आप उधर घूमिए। चलो हमारे टेबल पे, तुम्हें अपने लोगों से मिलाती हूँ। आपकी आंटी से मिल चुका हूँ। और भी तो हैं, मेरी सहेलियाँ, मेरे अंकल। आपके अंकल? मुझे हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं। मुझे अचानक आपसे डर लगने लगा है। क्यों? एक तो आप सोशल वर्कर हैं, दूसरे यहाँ के पुलिस कमिश्नर के भतीजी, जिसका ताल्लुक यहाँ के नामी सर गंगाराम के घराने से है। वो मेरे पिता हैं। क्या? वो मेरे पिताजी हैं। तब तो आपसे ज्यादा डर लगने लगा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको खो बैठा। आप उन सबसे मिलने लगेंगे तो आपका सारा डर भाग जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, इतनी दूर कि जहाँ हमारा कोई पीछा ना कर सके। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात अंदरा, मैं इसे यूं ही खो नहीं देना चाहता। खुशी की ये चंद घड़ियां जो किस्मत मुझे बख्शी है, मैंने झोली में समेट कर गांठ बांध देना चाहता हूँ ताकि कभी कोई इन्हें मुझसे छीन न सके। अब निकल चले यहाँ से। लेकिन वो फैंसी ड्रेस मालूम कितना है? हम फैंसी ड्रेस में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अकेले रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन वो मेरी सहेली और मेरी आंटी को क्या समझेंगे? यही कि प्यार करने वाले पंछी उड़ गए, ये लोग कार की चाबी। जल्दी जाओ जल्दी, तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बाय 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 बाय। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा, दिल है देखो देखो टूटना। चूड़ी नहीं है मेरा, दिल है देखो देखो टूटना। चूड़ी नहीं है मेरा, रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात। ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे वो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सर? चूड़ी नहीं है मेरा, दिल है देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। मेरे
है चूड़ी जैसा इसका और न छोर, यहाँ नहीं वहाँ नहीं देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी घन घन दिल की धड़कन है मेरा संगीत, सुनो जरा सोचो जरा नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मन में। लाजवाब बेमिसाल देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा। देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है तेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा। कहाँ है आप? हेलो हेलो, मुझे खुद ही पिछली सीट पे सुलाया, भूल गया। सूरज, क्या आपने कहा था कि इतनी जल्दी चलाएं? क्या वक्त हो गया? आज सुबह तो मुझे मुजरिम बच्चों की जेल में जाना है। चलिए आप ही चलिए मेरे साथ। सब एक साथ बोलो। बैठ जाओ बच्चों। इन सब बच्चों को यहाँ कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बालिक होने पर ये जब यहाँ से जाएं तो कोई जुर्म ना करें। मैं यहाँ महीने में एक बार आती हूँ। इनके बनाए हुए हाथ की चीजें हम बाहर बेचते हैं, उनसे जो भी पैसा बनता है इन बच्चों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाता है। ये बच्चा कौन? कुछ दिन हुए ये यहाँ आया है। क्या जुर्म किया है इसने? इसने कांस्टेबल के पेट में चाकू घोंप दिया। बेटा, तुम इन्हें नमस्ते नहीं करोगे जैसे सब बच्चों ने की है? क्यों नहीं करेगा, कितना शरीफ लड़का है, कितने प्यारे हाथ है तुम्हारे, तुम इन हाथों से कितना अच्छा काम कर सकते हो। ये हाथ जो किसी इंजीनियर के हाथ हो सकते थे, किसी डॉक्टर के हाथ हो सकते थे, किसी चित्रकार के हाथ हो सकते थे, पत्थर पे पत्थर रखकर कल तुम इन्हीं हाथों से एक नया ताजमहल खड़ा कर सकते थे। तुमने इन्हीं हाथों से इतनी छोटी सी उम्र में ये खून कैसे कर डाला बेटे? मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे मासी के बंदे की जगह मुझे मासी से मिलना है। तुम मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो, मुझे मासी के पास लेके चलो, मुझे मासी के पास लेके चलो। तुम मुझे ऐसे निकालने आए हो ना, मुझे ऐसे ले चलो राजा, मुझे ऐसे ले चलो, मुझे पापा मेरी आंखों के आगे से अब तक वो नजारा नहीं जाता। उस बच्चे का चिल्लाना,
उसकी राजा से बात करने की कोशिश और किसी का उसे बाहर से शूट कर देना। चंद्रा जवान हो गई हो, बड़ी हो, समझदार, और मुझे विश्वास है कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे इस घर की मर्यादा को दाग लगे। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? रात भर अकेली कहाँ थी तुम? आपसे ना कभी कुछ छुपाया है और ना छुपाऊंगी। रात भर मैं और राजा एक साथ घूमते रहे इसलिए कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। राजा? कौन राजा? काम क्या करता है? ये मैंने उससे पूछने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं की, लेकिन वो निहायत अच्छा लड़का है पापा, खूबसूरत है। आदमी की खूबसूरती उसके काम से पहचानी जाती है, उसकी शक्ल से नहीं। जिस बात का तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए था उसी बात का तुम्हें इल्म नहीं। 100 और 200 कलर। नई ताश के साथ खेलिए। हाँ पुराना ताश देख दो, गंदा हो गया, नए के साथ ही नहीं करेगा। वल्ला हमको खुशी हुआ हमारे सामने कोई दिल वाला कोई पैसे वाला बैठा है। मरवा। हमारा 1000 का फूल और 1000 का ब्लाइंड। बिस्मिल्ला। ब्लाइंड 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 ले जाइए। माफ कीजिए मुझे बुखार है। अरे किन किन मेरे हाथों को क्या हो गया है, इस तरह काम तो रहे हैं। मुझे इतने कमजोर हाथ नहीं चाहिए, ये हाथ मुझे नहीं चाहिए। ये खूस, इन हाथों के बिना तेरी क्या कीमत है? ये हाथ तो तेरे सोने के हाथ हैं। मुझे सोने के नहीं फौलाद के हाथ चाहिए, वो हाथ जो चट्टान से भी मजबूत हो, जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से रोटी कमा सके। तो जाओ दफा आ जाओ यहां से फौरन, तमा खाओ जाके ईमानदारी की रोटी, मुझे भी तुम जैसे नमक हराम आदमियों की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे नमक का हक पूरी तरह से अदा किया है मास्टर, जुए में तुम्हें हजारों लाखों रुपए कमा के दिए हैं, बदले में 2 साल जेल की चक्की पीसी है। जिंदगी में कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं जिनकी कीमत असल से ज्यादा सूद में चुकाना पड़ती है। कौन सा ऐसा एहसान है तुम्हारा जिसकी कीमत मैंने अदा नहीं की? तुम्हारी माँ के गुनाह पर पर्दा डालने का एहसान। तुम्हारे पैदा होते ही गंदे नाले में डालने की बजाय उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया था। कौन है मेरी मां? ये अपने बाप से जाकर पूछो। और मेरा बाप कौन है? ये अपनी मां से जाकर पूछो। फसल तुम दे चुके हो लेकिन सूद अभी बाकी है, जब ये चुकाने की हिम्मत आ जाए मेरे पास चले आना, सारा राज बतला दूंगा। और जाते वक्त इस नाचने वाले को भी अपने साथ ले जाना, तुम दोनों के लिए इस होटल में अब कोई जगह नहीं है, आज ही कमरा खाली हो जाना चाहिए। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ राजा? कट गए चूहे। कैसे? धोखे और बेईमानी के चलो में। मैंने तुम्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। चूली, तुम्हारा भाई जॉर्ज इस दुनिया में नहीं रहा। जॉर्ज भी उन्हीं हाथों का शिकार हुआ जिन हाथों ने तुम्हारे पापा की जान ली। जूली, जॉर्जी तो चल बसा लेकिन तुम्हारा भाई अभी जिंदा है।
जुआ खेलने, धोखा देने और मारपीट के जुर्म में 18 महीने की सजा। तो फिर मैं लाओ हाथ वादा करें कि मेहनत और ईमानदारी के साथ हम एक दूसरे की तकदीर बदल डालेंगे। एक शर्त पता, तुम भी ये वादा करो कि जब तक तुम अपने रहने का बंदोबस्त नहीं कर लेते तुम हमारे साथ रहोगे। अपनी बहन के साथ रहना पसंद नहीं करोगे क्या? जूली मेरी बहन, मैं एक वादा करता हूँ कि जॉर्जी की मौत का बदला जरूर लूंगा एक दिन। बेटी, तुम्हारे उससे ताल्लुकात सिर्फ दोस्ती तक ही हैं या इस रिश्ते में कुछ और भी गहराई है? मैं उससे प्यार करती हूँ अंकल, और बहुत जल्दी से पापा से मिलवाने वाली हूँ। तुम्हारे पापा की क्या हैसियत है तुम जानती हो? तुम्हें मालूम है सर गंगाराम की क्या इज्जत है? जहाँ उनके पाँव पड़ते हैं लोग उनके नीचे हथेलियाँ बिछाते हैं। मैं सब जानती हूँ अंकल, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। एक नेक और बहादुर इंसान से प्यार करने में क्या बुराई है? जिसे तुम बहादुर और नेक समझती हो वो शहर का सबसे बड़ा जुआरी, धोखेबाज और सजा याफ्ता मुजरिम है। लो, अपनी आंखों से देखो और पढ़ो। ये नहीं हो सकता अंकल, ये गलत है। ये किसी प्रेमी के दिल की डायरी नहीं, पुलिस का रिकॉर्ड है। जी, राजा नाम का कोई आदमी आपके यहाँ काम करता है? जी, वो तो कल ही निकाल लिया गया। निकाल दिया गया? आप मुझे बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ होगा, कहाँ रहता है? वो तो जी आप जूली से पूछिए। जूली? कौन जूली? डांसर जो हमारे यहाँ कैबरे में नाचती थी, दोनों एक साथ ही निकाल दिए गए और साथ ही रहते होंगे कहीं किसी खोली में। जब तक हम आपके पहले मालिकों का सर्टिफिकेट ना देख ले आपको नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, आप दोनों ने लीडो होटल क्यों छोड़ दिया? मिस जूली, आपकी खिदमत हासिल की जा सकती हैं इस होटल के कैबरे के लिए, लेकिन मुझे अफसोस है राजा साहब, आपका रिकॉर्ड मुझे ठीक नहीं मिला लीडो होटल के मैनेजमेंट से। जी, सुना है आपके होटल के बैंड में एक ट्रम्पेट प्लेयर की जगह खाली है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राजा। राजा जी, और आप मशहूर डांसर जूली तो नहीं? जी, जरा ठहरिए। मुझे आसार ठीक नहीं लगते, चलो यहां से। चंद्रा, बेनाम तो था ही पहले, लेकिन अब बेकार और बेघर भी हूं, इसलिए मिलूंगी तो क्या मुंह लेकर। अपन ने भी कई लेटर लिखा इधर आज बैठकर अपना स्वीट हार्ट को। हम सुना मास्टर तुमको नौकरी से निकाल दिया और काफी दिनों से हवाखोरी कर रहे हो और कड़के में भी हो। याद है राजा, तुम एक बार अपन से भेंट जीता था, उसका बदल हम तुमको नौकरी दिला सकते हैं। कहाँ? अपना वो शादी का बैंड उस्मान भाई का, उधर ट्रम्पेट प्लेयर का जरूरत है, हम ऑलरेडी तुम्हारा नाम डाले रहे। क्या कैसा रहा? मुझे मालूम है तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा और परेशानी भी मेरी चुप्पी पर, लेकिन खुद भी तो सजा दे रहा हूँ अपने आप को। आऊंगा मिलने जब जरा से भी हिम्मत पालू कहीं से। राजा, मुबारक हो शर्मा, बेटी को अच्छा पति मिले और ब्याह के बाद वो अपने नए घर के लिए खुशी खुशी अपने माँ बाप से विदा ले, इससे और शुभ घड़ी किसी बाप के लिए क्या हो सकती है? मुझे लगता है राजा नीचे खड़ा ट्रम्पेट बजा रहा है उन बैंड वालों के बीच। आ मेरे साथ, आ। तू अंदर चल पिछले कमरे में, मैं उसे बुलवाकर तेरी मुलाकात करवा देती हूँ। तू फिर से
चंद्रा अंदर है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। खत के लिए धन्यवाद कहूं? उन हालात में खत एक जरिया था तुम्हारे तक अपने जज्बात पहुंचाने का। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें बहुत अरसा पहले खुद ही बता देनी चाहिए थी, खत में लिख देने तक कभी साहस ना हुआ। मसलन जुआ बाजी और पत्ते लगाना तुम्हारा पेशा रहा है। तुमने ठीक सुना। और इसी सिलसिले में तुम जेल की भी हवा खा चुके हो। ये भी तुमने ठीक सुना। और सड़कों पर तुम्हारा जन्म हुआ और किसी अनाथ आले ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उस हकीकत में कोई शर्म की बात हो। तुम एक नाचने वाली कैबरे डांसर के साथ रह रहे हो आजकल। सच है। निकल जाओ अभी इस कमरे से बाहर। क्या हुआ बाजी वाले को? अचानक बैंड छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ऊपर सर गंगाराम की बेटी में हुई है। अम्मा इश्क मोहब्बत का किस्सा लगता है? जरा ऐसा बोलो, सर गंगाराम पास ही खड़े हैं। गंगाराम की लड़की ऐसे नीचे आदमी से ताल्लुक रखे, शादी में जो कुछ हुआ उसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। वो आंटी क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें क्यों नहीं रोका? इतने आंटी का कोई दोष नहीं पापा, सारा दोष मेरा है। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। आप ठीक कहते थे पापा, आदमी को जानने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता। रो नहीं बेटी, रो नहीं। तुझे अपनी ना समझी का एहसास हो गया, इससे बड़ी सजा और सुधार क्या हो सकता है? मैं तेरा बाप हूं बेटी, और मेरा फर्ज है अपनी जान से प्यारी बेटी को गलत रास्ते पर चलने से रोकता रहूं। जब तेरी मां ने प्राण छोड़े थे उसने मुझसे यही वादा लिया था कि मैं उसकी नन्ही सी अमानत को दुनिया की कठोर नजरों से बचाए रखूं। रो नहीं बेटी, अपने मन को दृढ़ बनाओ और अपनी जिंदगी के इस हिस्से को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगी पापा, राजा को ऐसे भुला दूंगी जैसे वो मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। मैं उसकी हर बात हर चीज हर याद को हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी। अगर यादों के नक्श इतनी आसानी से मिटा जा सकते तो इंसान की जिंदगी कितनी सुखी हो जाए। चंद्रा मुझ पर सारी दुनिया के दरवाजे बंद मत करो। चंद्रा सिर्फ एक मौका दो मुझे, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। अगर चाहोगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, इतनी दूर जहां से मेरे दिल की आवाज भी तुम तक न पहुंच सके, लेकिन क्या इतनी आसानी से भुला सकोगी मुझे? बात नहीं करोगी तो कोई गिला कोई शिकवा लेके नहीं जाऊंगा यहां से, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक जाने से पहले तुम्हारे हर सवाल का जवाब न दे दूं, वो हर सवाल जिसका जवाब तुमने मुझसे शादी में मांगा था। सुन रही हो चंद्रा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुमसे कुछ पूछना नहीं चाहती। मेरा तुम्हारा हाथ से कोई वास्ता नहीं। तो क्या इससे पहले जो वास्ता रहा है वो धोखा था, फरेब था? अपने दिल से पूछो, इसलिए कि सच्चाई तक तो तुम कभी पहुंचे ही नहीं। मालूम है लोग क्या कह रहे हैं बाहर? मेरा और तुम्हारा कभी कोई नाता नहीं जुड़ सकता। अब बाकी ये रहे तुम्हारी यादों के नक्श जिन्हें मैं दिल और दिमाग से उखाड़ कर फेंक चुकी हूं। सिर्फ गुड बाय कहने आया था। चंद्रा मिली?
मिले। क्या बातें हुई? हुई कहाँ? उसके पापा को मालूम है तुम यहाँ हो? कौन जाने, तो बेहतरी इसी में तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, उनका पारा चला हुआ है। गुड बाय। आंटी, एक बार पहले भी तुमने मुझ पर एहसान किया था, एक एहसान और कर दो। बोलो। चंद्रा से कहना कि चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं उसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और अब उसे तभी मिलूंगा जब मेरी पोजीशन भी वही होगी जो उसके घर की है, जब दुनिया के सामने उसका हाथ थामे सर ऊंचा करके फख्र से कह सकूंगा कि मैं वही राजा हूं जो कभी गरीबी की वजह से और जहां की बदनामी के डर से ठुकरा दिया गया था। माँ बहुत बीमार है और घर में कुछ भी नहीं, आज चूल्हा भी नहीं जला। ये सिर्फ 5 रुपए हैं, इन्हें रख लो और अगर इंतजार कर सको तो मैं मास्टर से मिलकर आता हूँ। मेरे हिस्से का बोनस अभी तक उसके पास पड़ा है और उसने कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो देने से इनकार नहीं करेगा। वेलकम, वेलकम बैक। मैं जानता था कि आखिर एक दिन तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। चले आओ चले आओ, कोई बात नहीं, 1 से 2 भले। लेकिन अब की बार मेरी कीमत पक्की। ये देखो, तुम्हारी जगह किसी दूसरे ने ले ली है। वो जगह उसे ही मुबारक हो, मैं अपने पिछले बोनस की बात करने आया। बोनस मजदूरों के लिए होता है, खिलाड़ियों के लिए नहीं। सुना है हाथ की सफाई दिखाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं था दोस्त। राजा। पार्टनर। अरे हमारी भी कुछ कम नहीं। अचानक माँ की हालत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर का कहना है अगर फौरन ऑपरेशन न किया गया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं, और ऑपरेशन के लिए रुपया चाहिए। बेशक हर चीज के लिए रुपया चाहिए, तुम्हें पालने के लिए भी रुपया चाहिए था और अब इसे पालने के लिए भी। कान बहरे हो चुके हो तो फिर से सुन लो, मैं अपना पुराना बोनस मांगने आया हूँ। खैरात फिर कभी, ये जुआ खाना है, माल लगाओ और माल बनाओ। शेम मिस्टर गैम्बलर, इतने बड़े जुआरी को मैंने आज तक भिखारियों की तरह हाथ फैलाते नहीं देखा। तो चलो बांटो पत्ते, देखें कौन किसको भिखारी बनाता। माल निकाल, उधार रहा। ये कैश का धंधा है दोस्त, बनिए की दुकान नहीं। हार गया तो जिंदगी भर होला नहीं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी की कीमत ही क्या है? सुना है आजकल जूली के टुकड़ों पर पल रही। चलो राजा, ये 2 तोला सोना है, इसकी कीमत बता। जूली उठा ले रॉकेट वापस। नहीं राजा, खेलो ना, खेलो। अरे अगर सच्चा सोना हो तब ना। रख दे लॉकेट बीच में। और बात 400 रुपए का है, मैं इसकी कीमत 200 डालता हूँ भैया। बांट, तुम बांटो। अच्छा, ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। आपकी 2 बांट है। हार जा, ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगा। डर अभी शक हो तो दोबारा बांटो। हाँ दोबारा बांट। थैंक यू जीसस। तुम ही काटोगी आपकी बार, मास्टर काटेगा। मास्टर जुआ खेलवाना जानता है, खेलना नहीं, मैं काटूंगा। जबान संभालो, ज्यादा लंबी होने लगी है।
की बात वहां मांगना क्यों भूल गई? ए, इसे कोई नहीं छुएगा, ये तो मेरी जान बाहर के लिए है। अब जूली, ए, खैराती घर सड़क के अगले मोड़ पे है। मुड़ के आऊंगा भोंको नहीं, हिसाब चुकाने के लिए। चल जूली। सैम, मुझे कुछ पैसा चाहिए। याद है तुमने एक शर्त हारी थी? अरे उसका बदल हम तुमको नौकरी दिलाए, लेकिन तुमने हमारा इज्जत का भाजी पाला कर बगैर इन्फॉर्मेशन की उधर से नौकरी छोड़ के चला गए। मुझे कुछ उधार दे सकते हो? अरे उधार किधर से देगा, अपन खुद करता है। सिगरेट पीने का वादा पड़ेगा, क्या आदमी है। बेटी तो रो रही है। माता जी मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने मन की कमजोरी पर काबू पा सकूं और अपना काम और कर्तव्य सर ऊंचा करके निभा सकूं। भगवान तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति दे बेटी। रो मत मेरे बच्चे, दुनिया में कौन है ऐसा जिससे कभी कोई पाप नहीं हुआ। इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारे मन का सारा मैल धुल गया है। मां का आशीर्वाद ले लो। भगवान के शरण में जो भी सच्चे दिल से आता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्षमा कर दो अगर मैंने कुछ पाप किया होता। क्या मैं समझूं भगवान कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया? वापस लगे सारे के सारे। आपकी नंबर 21। अब किसकी बारी है बांटने की? अब न तेरे न मेरे किसी और दिन बांटेंगे। हे मिस्टर गैम्बलर, मैंने आज तक किसी बड़े जुआरी को पीठ दिखाते नहीं देखा है। नहीं उठने दूंगा जब तक एक लड़की की अमानत वापस न ले लो। रख देने के उन्हीं हाथों से उतार कर वो रॉकेट जिन हाथों से पहनाया है उस गर्दन पर। फिर राजा तुझे अपने लफ्ज वापस लेने होंगे। दोस्तों ये आखिरी और फैसला कुंता है। इस 400 रुपए के लॉकेट के इवज में एक कमीने गैम्बलर ने 200 रुपया लगाया और जीत लिया, लेकिन मैं इसके इवज में 400 रुपया छोड़कर जो इसकी असली कीमत है आज रात का जीता हुआ पूरा माल लगाता हूं। शायद आप कहेंगे कि मैं पागल हो गया, लेकिन जुआ खेलना ही एक पागलपन है और असली जुआ खेलने वाला खिलाड़ी होता है, मजदूर नहीं। इसमें अगर मैं हार गया तो तुम्हें जुआरियों का शहंशाह समझा जाएगा
और अगर तुम हार गए तो आइंदा जिंदगी में मुझे कभी चैलेंज करने का दावा मत करना। खोलो बत्ती। इस कमबख्त के क्रिश्चियन लौंडिया की तरह तूने भी मेरे लिए दवा क्यों नहीं मांगी? ये बात कहना कि जीत के भाग खड़ा हुआ और मेरा बोनस जो भी मालिक है इस जुआ खाना के रख ले अपने पास खैरात के तौर पर। अरे क्या फटका चलाया राजा तूने? एक हफ्ते से हमें लूट रहा था, तूने हमारा बदला ले लिया पार्टनर। फिर किसी दिन समझ लूंगा आज कसमत ने किसी बेवकूफ का साथ दिया। वो तो सिर्फ बेवकूफ है, तुम गधे हो गधे। सत्संग छोड़कर अचानक जुआ खाना के कदमों में कैसे आना हुआ? तुमसे भीख मांगने आई हूँ राजा के लिए। गोली मार दी होती आज मैंने उसे, अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता। जिस थाली में खाता रहा उसी में छेद करने की कोशिश कर रहा है वो। मेरी बस तुमसे एक ही प्रार्थना है, अगर तुम उसे इंसान नहीं बना सकते तो कम से कम शैतान मत बनाओ। वो क्या कहावत है अंग्रेजी की, लकी इन गैम्बलिंग एंड अनलकी इन लव। शाम को 6 बजे देश सुधार सभा में पहला भाषण आपका है। जी आज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके फंक्शन पर नहीं आ सकूंगी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं। जो एक आदमी का सुधार ना कर सकेंगे वो देश सुधार क्या करें? कहिए भाई साहब। दिन भर घूमती फिरती हो इधर उधर मटक मटक के, कभी तो काम की बात पर ध्यान दिया करो। देखो इनविटेशन आया अमर मेहता साहब के घर से। अमर मेहता? अरे हाँ हाँ, वो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, जो मालाबार हिलते रहते हैं। ओ, तो उसमें क्या हुआ, रोज हर शाम के लिए इन्विटेशन यहाँ पड़े रहते, कमाल करते हो भाई साहब। लेकिन इस इन्विटेशन में खास बात है, इनके साथ ज्यादा 4 साल पहले विलायत गए थे लंदन स्टडीज के लिए, वो लौट आए। तो क्या हुआ, विलायत से कई लड़के पढ़ाई लिखाई करके लौट आते हैं। लेकिन इनके साथ ज्यादा राव मेहता चंद्रा के साथ कॉलेज में थे ना। ओ, चंद्रा के साथ? तो कई लड़के कॉलेज में थे। ये लड़का तो अपने घर में आया जाया करता था, चंद्रा के 6 साथियों में था, तुम्हें याद नहीं? ओहो, वो राम, वो अपना राम छंद हो गई है। अब भाई बात समझ में, सर अपना वजन कम करो तो बात जल्दी समझ में समझ में आती जा रही है। चंद्रा उदास रहती है और राम उसके कॉलेज का साथी रहा है, 4 साल के बाद लंदन से होशियार बन के आया है। हो सकता है कि इन दोनों को मिला देने से राजा के लगाए हुए जख्म भरने लगे और चंद्रा भूल भूल जाए। लो, इतनी सी बात समझाने में इतनी देर कर दी आपने। अब तो समझ गई। ये इन्विटेशन है कब का? आज रात का, राम का विलायत से लौटने की खुशी। ओह, मैं चंद्रा को भी तैयार होने के लिए कहती हूँ, जरा सज धज के जाएगी तुम तो मेहता साहब के साहबजादे। लेकिन तू जरा कम सज धज कर जाना। काफी सजाया है वकील साहब ने टेरस अपने बेटे की वापसी के ऑनर में, मुबारक हो वकील साहब। आपके बेटे ने तो बिल्कुल अंग्रेजी ढंग ही अख्तियार कर लिया है। I was dying to get back home. भैया राम, ये हमसे अंग्रेजी में बात मत करो, वो तो हम कब की भूल गए।
आपका बिजनेस कैसे चल रहा है मास्टर साहब? बस गनीमत है वकील साहब, वफादारी नहीं मिलती, थोड़ा धोखा भी खाया हूँ, लेकिन जब आपको देखता हूँ। क्यों, क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? बड़े खुशकिस्मत हैं आप, जवान बेटा होनहार, अभी अभी विलायत से पढ़ लिख के आया है। विलायत से पढ़ लिख कर आना भी तो आजकल हिंदुस्तान में एक डिस्क्वालिफिकेशन बन गई है मास्टर साहब। हमारे जमाने की बात और थी, हम जब बैरिस्टर बनकर आए थे उन दिनों वहां से पढ़ लिख कर लौटने वाले चंद इन्हें गिने ही होते थे, लेकिन आजादी के बाद। बैरिस्टर साहब, क्या अपने नक्शे कदम पर चलाने का इरादा है आपको? हमारे साहबजादे माने तब ना, कहते हैं डैडी वकील बनने में क्या धरा है, दार्जिलिंग में आपकी टी प्लांटेशन की देखभाल करूंगा, क्योंकि 4 साल विलायत में रहने के बाद दार्जिलिंग की ठंडी आबहवा मुझे ज्यादा मुफीद है। बात तो सही है, कितना लाल सुर्ख और स्मार्ट हो गया है। और वैसे भाई साहब, चंद्रा भी तो कुछ कम नहीं, वो देखिए ना, दोनों खड़े बातें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी जोड़ी सारी बंबई भर में नहीं मिलेगी। याद है तुम दो चुटिया करके आया करती थी कॉलेज में, हम 4 बरस विलायत में तुम्हारे वो नक्श नहीं मिले। आप देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुई क्या? थोड़ी पाँव जरा धरती पर ले आइए, बिल्कुल वैसे ही नजर आऊंगी आप। आरामी का पिल्ला, रेस के घोड़ों का मालिक बन बैठा है। मास्टर, एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि इस आदमी से बड़ा गैंबलर सारे देश में नहीं, चाहे इसे तकदीर कहो, हाथ की सफाई कहो, हम इसके नाखून तक नहीं पहुंच सकते। हैट्स ऑफ, ग्रेट गैंबलर। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी तकदीर मेरी हाथ की मुट्ठी में इस तरह बंद रहेगी, हमेशा बंद रहेगी। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू, क्या नहीं मेरे पास, क्या नहीं मेरे पास, धन भी इज्जत भी बंगला भी कार भी जाम भी शराब भी, बंगला भी कार भी जाम भी शराब भी बागो बहार भी, अरे क्या नहीं मेरे पास। आ हा हा हा, नजरे नजारे भी चांद और तारे भी साकी मखाना भी सारा जमाना भी, आज मैं दुनिया खरीद सकता हूँ लेकिन
कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू, जिंदगी है एक सिगार। तेरी जिंदगी है एक सिगार, वो तेरी जिंदगी है एक सिगार। कौन तुझे समझाए जोर से जितनी कश खींचे तू, जोर से जितनी कश खींचे तू उतनी जलती जा। ओ हो हो हो, अपने से खेल तू, दुनिया से खेल तू, जिंदगी से खेल तू, किस्मत से खेल तू, तू सभी से खेल सकता है। लेकिन कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला। विलायत जाने से पहले भी तुम्हारे लिए दबा दबा प्यार था, और लौट आने के बाद तुम्हें मिलते ही उभर आया। तुम अगर मुझे हाँ कह दो तो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें पसंद जरूर करती हूँ राम, लेकिन अगर ये कह दूं कि मुझे भी तुमसे प्यार है, एक दूसरे को धोखा देना होगा। लेकिन लगातार मिलने से ही तो प्यार पैदा होता है। इसी तरह मुझे अपने करीब आने का मौका देती रहोगी तो शायद मैं तुम्हारा पति बनने का सौभाग्य भी हासिल कर सकूं। ये हो सकता है कि मुझे तुमसे बेहतर पति ना मिले, लेकिन फिलहाल मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। या यूं कहो कि अभी तक नाखुशगवार यादों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। इस बारे में कोई बात ना ही करो तो अच्छा है। बहरा वो जो मेम साहब बैठी है ना, उनको हमारा ये कार्ड दो और कहो कि साहब को निहायत मुसर्रत हासिल होगी अगर हमारी टेबल पर आकर हमारे साथ खाना खाएंगे। और सुनो, ये दावत उन साहब के लिए भी है, कहना कि साहब ने दोनों को इनवाइट किया है। जी। एक्सक्यूज मी मैडम, उस टेबल वाले साहब ने ये कार्ड भेजा है और कहा है कि उन्हें निहायत मुसर्रत हासिल होगी अगर आप दोनों उनकी टेबल पर ज्वाइन करें और उनके साथ खाना खाएं। साहब का शुक्रिया अदा करो और उनसे कह दो कि हमने उनका कार्ड रख लिया है और अपना कार्ड भेज रहे हैं। किसी दिन हमें टेलीफोन करें, हम जरूर खाना खाएंगे उनके साथ। कौन है, क्या नाम लिखा है कार्ड पे? कोई राजा साहब लगते हैं, फॉरगेट इट। देखो मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ, तुम दार्जिलिंग चलो मेरे साथ, वहाँ हमारे चाय के बागात हैं, बहुत बड़ी स्टेट है, तुम्हारा मन बहल जाएगा, हो सकता है पुरानी यादों से पीछा छुड़ा सको और मैं तुम्हें अपनाने में कामयाब हो जाऊं। काश पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान होता। राम, कल अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो भी जाए तो तुम इस बात को कैसे भूल पाओगे कि मैंने कभी किसी और से भी प्यार किया? हम लोग 16वीं सदी में नहीं बल्कि 20वीं सदी में रह रहे हैं, मॉडर्न ख्यालात के। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मैंने भी कभी किसी और से इंग्लैंड में प्यार किया होगा? मैम साहब से कहो खाना ना सही, सिर्फ 2 मिनट हमसे बात कर लेंगी तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। अगर बुरा ना माने तो हम ही उनकी टेबल पर जा सकते हैं। जी नहीं राम, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार कर सकूंगी। मैडम वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप कहें तो यहीं आ जाएं। बोलो मैम साहब, जब फुर्सत होगी तो बुलवा भेजेंगे 2 मिनट के लिए। जी खड़ा ये पीछे ही पड़ गया। बोलो मैम साहब से मिलना हो तो मेरा कार्ड उनके पास है, वो मुझे फोन करें, वो भी 1 महीने के बाद, क्योंकि कल सुबह पहली फ्लाइट से साहब और मैम साहब दोनों दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके होंगे। जी तुम्हारा भी जवाब नहीं, अभी जाना भी तय नहीं हुआ और तुम पहुंच लिए दार्जिलिंग। क्योंकि तुम्हें ना कहने का मौका ही नहीं दूंगा, दार्जिलिंग ही तो चलने के लिए कह रहा हूँ, शादी करने के लिए तो नहीं। पहले पापा से तो पूछ देखो, पापा भी साथ रहेंगे तो ना थोड़ी करेंगे। तो फिर जाओ, उन्हें फोन कर। तुम भी आओ।
थैंक यू सर। ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? इतना ढेर सा पैसा, ये शानदार फ्लैट, ये सुबह से शाम तक बहती हुई शराब, ये ठाट बाट, इसमें बहुत बड़ी कमी महसूस होने लगी है जूली। दिल बार बार कह रहा है कि वक्त आ गया है, जल्दी से किसी को अपना लो, वरना ये बाजी जीतते जीतते फिर से हार जाओगे। लेकिन तुम खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से तैयारी करो, देर हो रही है। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। आपका तार आने पर हमने होटल का सबसे बढ़िया स्वीट आपके लिए रिजर्व कर रखा है। फाउंटेन, थैंक यू। बंबई से सेठ गंगाराम जी अपने फैमिली के साथ आपके यहाँ आने वाले थे, अभी तक पहुँचे कि नहीं? जी वो तो यहीं है। सारी फैमिली आई है? बस बाप और बेटी दोनों। बस दोनों अकेले? जी नहीं, राम मेहता भी उनके साथ है, लेकिन वो अपनी उस सामने वाली कोठी में ठहरे हुए हैं। अभी एक घंटा पहले तीनों यहीं थे। इसका मतलब है बहुत बड़ी रौनक है अंदर यहाँ। जी हाँ, सीजन बिल्कुल फुल है, और उसकी वजह हमारी आखिरी बहुत बड़ी पोनी रेस भी है जो अगले हफ्ते होने वाली है। पोनी रेस? क्या ये वाकई इतनी दिलचस्प होती है? इसका अंदाजा तो आप अपनी आंखों से देख के ही लगा सकेंगे। मिस्टर राम, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, यहाँ के बहुत बड़े रईस हैं, अभी अभी विलायत से लौटे हैं, और इस रेस में दौड़ने वाले तकरीबन सभी घोड़े उन्हीं के। और उस रेस के गोल्ड कप को जीतने वाले के ऑनर में उसी शाम को एक जश्न भी मनाया जाएगा, और उस जश्न का उद्घाटन भी सेठ गंगाराम ही करेंगे। आपने अभी कहा कि रेस में दौड़ने वाले ज्यादा घोड़े राम साहब के हैं। जी हाँ, खासकर एक काली पौनी है उनकी, मेरी जान, जो आज तक किसी रेस में नहीं हारी। और कोठी कहाँ है राम साहब की? जी वो सामने वाली पहाड़ी। भाई बहुत ही बढ़िया बंगला है तुम्हारा राम, और ये नजारा उससे भी बढ़िया। ट्रेकिंग पे चलो हमारे साथ तो दंग रह जाओगे। कभी खचरों पे चढ़ के देखा है? तुम्हें कितने साल हो गए खचरों पे चढ़े? वैसे देखा जाए तो बड़ा अजीब सा लग रहा है इतने सालों के बाद अपने मुल्क में वापस आना। कुछ 6 महीने पहले स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में हम एक ग्रुप बनाकर स्कीइंग के लिए गए। एक लड़की थी हमारे ग्रुप में, सुंदर। जब से तुम्हें मिला हूँ, यूरोप की सुंदर से सुंदर लड़की भी फीकी लगने लगी है। डाल रही है मुझे। अच्छा ये बताओ, दार्जिलिंग में क्या क्या दिखाओगे मुझे? सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ का बाजार दिखाऊंगा, पैदल घूमेंगे, और लंच के लिए अपनी टफ क्लब में चलेंगे। दुनिया में इससे ऊंचा रेस कोर्स तुम कहीं नहीं पाओगे, और तुम्हें अपनी खास डार्क फेवरेट पोनी से मिलाओ। यहाँ की एक ही पोनी जिसका रिकॉर्ड है कि कोई भी रेस नहीं हारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये पोनी किसकी है, ये काली वाली? नहीं आती है। मालूम होता आपको रेसेस का शौक नहीं है, वरना ये सवाल आप नहीं पूछते। या हो सकता है आप दार्जिलिंग में नए नए आए हो? क्योंकि ये पोनी दार्जिलिंग में उतना ही मशहूर है जितने की इनके मालिक यहाँ के रईस मिस्टर राम मेहता। हमारी टफ क्लब को न्यू लुक देने के लिए कल ही उन्होंने ₹50,000 की चेक दिए। यहाँ घोड़ों का सबसे होशियार और बेहतरीन ट्रेनर कौन है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सेवक को सरकार? मैं जॉकी और ट्रेनर दोनों का ही काम करता हूँ। क्या ये हो सकता है कि एक इससे भी बढ़िया पोनी खरीदी जाए और उसे इससे भी बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए? बहुत घोड़े दौड़ाए हैं इस मुल्क के कोने कोने में, अचानक शौक पैदा हो गया है कि एक टट्टू भी दौड़ाया जाए। ये सफेद पोनी किसकी है? मेरे बड़े भाई शमशेर राणा की है सर, पिछले 4 रेस हार चुकी है, इसलिए अगली रेस में एंट्री नहीं मिली। और इसका जॉकी कौन था मालूम है? शर्म लगता है, जॉकी तो मैं ही था आपका सेवक। हम इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन सर ये तो दाम की परवाह मत करो, दाम की हमारी डिक्शनरी में कोई कीमत नहीं। सर ये तो हारी हुई घोड़ी है, बिल्कुल गंडम। चाबुक तेज हो और लगाम नहीं, और उस पर तुम जैसे जॉकी की पीठ पर हमारा हाथ रहे, तो कंडम घोड़ी भी ऐसे दौड़ेगी जैसे कि हिमालय की चोटी पर सीटी बजाती हुई आंधी। आपका नाम सर, कहां से तशरीफ लाए हैं? तुम्हें नाम से वास्ता है या दाम से? ढंढोरा मत पीटो, किससे वास्ता पड़ा है? हम यहाँ एकांत के लिए आए हैं, शोर पड़ेगा
तो बहुत से लोगों को दिली तकलीफ होगी। अच्छा 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 अच्छा। राम साहब आप यहाँ? वहाँ क्लब में बिलियर्ड्स के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं यूं ही पहले नहीं यहाँ रेस कोर्स दिखाने ले आया। आप हैं हमारे क्लब के सेक्रेटरी और आप हैं मिस चंद्र गंगाराम जी। नमस्कार, मुझे आशा है कि आज की रात आप दोनों माउंट एवरेस्ट होटल में जरूर तशरीफ लाएंगे। कुछ स्टूडेंट लोग पीछे पड़े थे कि शेर और शायरी वगैरह का प्रोग्राम करना है, कहाँ किया जाए? जीने न देगी आंखें तेरी दिल रुबा मुझे, जीने न देगी आंखें तेरी दिल रुबा मुझे, इन खिड़कियों से झांक रही है कजा मुझे। शेर जा पे खत्म हुआ, जा 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 जा। तुम कुछ कहो जा पे। झूमते मस्ती गेसु तेरे लच्छे लच्छे, इन अदाओं पे तेरी मर गए अच्छे अच्छे। छाप गए हैं छापे, छा गया हम पे नशा, जलवा देखकर जो तेरा वो गया वो गया वो गया, हाय दिल मेरा। वाह 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 वाह। रपे कहिए रपे। रंगीन जमाना है, मौसम सुहाना है, छोड़ो भी अब ये शर्म, नजरें जो करती हैं नजरों से बातें, चल वो करें बात हम। जलते रहें और कब तक कहो हम, अब तो रहम कुछ करो जैसे भी हो, इन छलकते लबों से प्यासों को एक जाम दो। दिल आज शायर है, हम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म सुने दिए। चाहत कि मैं दिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से उस कान कोई जवाब, है प्यार हमने किया जिस तरह से उस कान कोई जवाब। जर्रा थे लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं कोई सफर हो, हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही।
देख रही, उधर देखो अपनी पुनी जीत रही। क्या बात, ये हाथ में क्या? कुछ नहीं, यूं ही एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा गोद में आ गिरा। Forget it. देखो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगी तो मेरी पोनी हार जाएगी। शाम में दार्जिलिंग टर्फ क्लब और उसके मेंबरान की ओर से अपने चीफ गेस्ट राजा साहब का स्वागत करता हूं और इन्हें इस साल की रेसेस का गोल्ड कप जीतने की मुबारकबादी देता हूं। साथ साथ मैं राज साहब श्री गंगाराम जी का भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस फंक्शन का प्रोसाइड करना स्वीकार किया। आप मेरी बेटी चंद्रा से मिले हैं? जी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हैं मिस्टर राम मेहता, हमारे फैमिली फ्रेंड। आप जानते होंगे ये गोल्ड कप इन्होंने स्पॉन्सर किया। मुझे अफसोस है कि आपका घोड़ा जीत नहीं सका, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि रेसेस में आकर मुझे भी कोई मात देने वाला मिला। कभी खास डर्बी रेस में हिस्सा लेने के लिए विलायत जाने का इत्तेफाक हुआ? जी अभी तक तो इत्तेफाक नहीं हुआ है राम साहब, लेकिन जाने का इरादा जरूर रखता हूं। अगर किस्मत कान पकड़ कर किसी दूसरी तरफ ना घुमा दे। क्या आप हमेशा इसी तरह खामोश रहना पसंद करते चंद्रा जी? आपके साथ डांस करने की गुस्ताखी कर सकता हूं अगर राम साहब की इजाजत हो तो। प्लीज गो अहेड। वो टूटी हुई चूड़ियां अभी तक संभाले हुए सीने से लगाए। कहावत सुनी है आपने कि जब औरत का दिल टूटता है तो वो अपनी सारी जिंदगी उन टुकड़ों को बांटने में खर्च कर देती है, और जब मर्द का दिल टूटता है तो वो अपनी सारी जिंदगी उन टुकड़ों को समेटने में। लगता है कभी माफ नहीं करोगी। जानती हो कहां कहां पीछा किया है तुम्हारा? जानती हूं, भगवान के मंदिर में भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इतनी पुरानी बात तो भगवान भी भुला दिया करते हैं। मेरे प्रायश्चित और भगवान की क्षमा का फल नहीं देख रही? देख रही हूँ। लगता है काफी पैसा बनाया है ताकि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। देख सकते हो? कितने अरसे में बनाए हैं ये लाखों? शायद आप नहीं जानती कि सोने के हाथ है मेरे। मट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाती है। अब तो मेरा हाथ थामने में आपको शर्म महसूस नहीं हो? अगर सोचते हो कि बेईमानी और घिनौने तरीकों से रुपया इकट्ठा करके तुम मेरा मन बदल सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि दौलतमंद हो गए हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जाग उठा होगा। सिवाय सख्त नफरत के मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। हमारे साथ डांस नहीं करोगे? मेरी बेटी चंद्रा राम की बहुत जल्द मंगनी होने वाली है। जी साहब से मैं तुम्हारा हाथ मांग लूं तो इन
नहीं करोगी? नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस जश्न को और खुशगवार बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपका तारुफ आज शाम के चीफ गेस्ट राजा साहब से कराना चाहता हूं। यही वो खूबसूरत नौजवान है जिन्होंने रेस में ये गोल्ड कप जीता। एक इंसान अपनी मेहनत और लगन से कैसे कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है, राजा साहब उसकी जीती जागती मिसाल। गरीबी के नरक से अमीरी और शोहरत की चोटी तक का ये फासला इन्होंने कैसे तय किया, ये जानने के लिए हमें इनकी गुजरी हुई जिंदगी में झांकना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कामयाबी की ये बड़ी परिभाषाएं हैं। रुपया कमाना बहुत लाजमी है ये जानने के लिए कि दौलत सुख देती है या अपने दामन में दुख के अंगार भर कर लाती है। मेरे ख्याल से वो दुख ज्यादा लेके आती है अपने साथ। आज की यह शाम मेरे लिए बहुत अहम है और गालिबन ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शाम होगी, क्योंकि अभी मैं जो ऐलान करने वाला हूं उसका असर मेरी आने वाली सारी जिंदगी पर पड़ेगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह ऐलान करता हूं कि मैं अपनी तमाम जायदाद, दौलत, ये सारे अस्तबल और घोड़े उन ऐसी संस्थाओं को दान कर रहा हूं जो इस महान उद्देश्य के योग्य हैं। और इस दौलत का एक छोटा सा हिस्सा एक नहायत ही खूबसूरत लड़की जूली क्रिस्ट के नाम कर रहा हूं। जूली क्रिस्ट, जो मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों की साथी है और जिसे मैं अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूं, क्योंकि अपनी आज की इस आजादी को मुकम्मल करने के लिए मेरे लिए उन लोगों का एहसान चुकाना बहुत जरूरी है जिन्होंने मुझे जिंदगी के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हौसला दिया कि जहां से अगर इंसान ठोकर खाकर गिर जाए तो उसमें दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रहती। तुम्हारी याद मन में लिए और आत्मा पर कलंक का भारी पत्थर रखे मैं कैसे जी सकता था, और आज मैं फिर वही भिखारी हूं जो पहले था। लेकिन अब मन में एक नया हौसला है, एक नई मजबूती है इस जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी से जीने की। ये शक्ति भी मैंने तुमसे पाई। मुझे मालूम नहीं मेरा बाप कौन है, माँ कौन है, किस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, एक कैबरे डांसर के साथ रहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मुझसे विवाह करोगी? इस खत का हर लफ्ज सच्चाई में डूबा हुआ है चंद्रा। राजा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसकी। एक बहादुर लड़की की तरह उसे पापा के सामने पेश कर दो। किसी बात से ना डरो चंद्रा। उस आदमी को अपनाने के लिए कह रही हो जो एक कैबरे डांसर के साथ रहता है? मेरी आवाज पहचानते हो, मैं कौन हूँ? ये जायज और नाजायज तरीके से इकट्ठी की हुई दौलत जो तुम अपने चाहने वालों में नहायत फराख दिली के साथ बांट रहे हो, उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। 24 घंटे के अंदर 2,00,000 रुपए मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, वरना उन तमाम शरीफ और इज्जतदार लोगों की इज्जत खाक में मिला दी जाएगी जिनका नाम तुम्हारे नाम के साथ वाबस्ता है। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो चंद्रा? किसी की क्या मजबूरी है, कौन कह सकता है? अंदर से तुम भी जानती हो उसका प्यार सच्चा है। नहीं आंटी, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। हेलो, मैंने कोई दखलंदाजी तो नहीं की आपकी बातें? नहीं तो आराम बैठो। नहीं बैठूंगा जब तक हंसती हुई नजर नहीं आओगे। मिलाओ हाथ। क्या है? अरे मेरे हाथ तो मिलाओ, मैंने तुम्हारे पप्पा से बात कर ली है, वो बहुत खुश है, नए साल के रोज हमारी मंगनी हो जाएगी। अच्छा, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है राम। मैं आप दोनों में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? तुम समझदार लड़के हो राम, मौजूदा ख्यालात के हो, क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा रख सकती हूँ? सरासर भरोसा रख सकती हूँ। सच्चाई सुन सकोगे? कहो। बर्दाश्त कर सकोगे? इम्तिहान तो लो। चंद्रा तुमसे प्यार नहीं करती। इससे अच्छा मजाक नहीं सूझा तुम्हें आंटी? तुम्हें कैसे यकीन दिला? और मैं कैसे यकीन करूं? चंद्रा मुझसे प्यार नहीं करती तो उसने खुद ही तो मंगनी के लिए मुझे हाँ कहा है। ऐसा बंधन बांधकर क्या करोगे जिससे तुम ना खुश रहो,
चंद्रा घुट घुट कर मर जाए और एक तीसरी मासूम जिंदगी का ठिकाना ना रहे। आंटी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कर लूं? मैं ठीक कह रही हूँ, चंद्रा को जितना मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते। हुजूर ब्लाइंड, क्या बात है, आइए। ब्लाइंड, ये तीन की ब्लाइंड है। क्या बात है, हाँ जी माशाल्लाह, ब्लाइंड तीन के। राजा आ रहा है, राजा। अपने अपने पैसे संभालो वरना राजा का हाथ पड़ते ही सारा माल हवा में गायब गायब हो जाएगा। शेख साहब आपके चलने की बारी है हुजूर। हाँ हजरत पर तक बोलो। हाँ ये हुई ना बात, लीजिए। दूसरा दूसरा ये रहा। और तीसरा, वाह The silver one whiskey, large one. Oshik Sahab, this is Milda. Dobara baato. नाउस बिल्ला फरेबी, हजरत हमको इस गेम से बाहर, हम भी आओ। फैमी रही कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वेलकम वेलकम, मुझे तुम्हारा इंतजार था, लेकिन शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाऊंगा। दिए गए वक्त से सिर्फ 23 घंटे पहले। मेरी तरफ से वेलकम। ये नहीं देखा था कभी कि इतनी अच्छी हाथ की सफाई दिखाने वाला जुआरी भी गर्मी में इस तरह ताश फेंक देगा। अरे ज्यादा गर्मी तेरी जेब में नजर आ रही है, आप बैठ, अगर पलक झपकते ही सफा चट न कर जाओ तो। इन सब सफाइयों से हाथ धो चुका हूँ दोस्त, वरना कब का सफाया कर गया होता सारे के सारे ठेका। अरे वाह दानी महात्मा, सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज के लिए रवानगी तो जरूर हो गई होती मास्टर, अगर तुम्हारा बुलावा ना गया होता। आपने भी तो कुछ दान मांगा था। सुनो, अगर अकेले में बात करनी हो तो ऊपर चलें। अकेले में नहीं, बात सबके सामने होगी। तो ले आना था अपनी पार्टनर को भी अपने साथ, उस दो टके की लौंडी जूली को। सुना है तुमने अपनी सारी जायदाद उसके नाम पर रखी है। क्या मजे की बात कही है मास्टर, अब समझाइए क्यों नहीं खेल रहा है। आज क्रॉस हाथ में लेकर इसकी जीत के लिए दुआएं मांगने के लिए वो ईसाई छोकरी जो साथ नहीं। शराफत और धर्मो ईमान की तो मुझे आपसे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना जरूर सोच के आया था कि जब इंसान को अपनी मौत का एहसास होने लगता है तो भगवान या अल्लाह को जरूर याद करने लगता है। लेकिन अफसोस कि यहां दोनों ही नदारत हैं, भगवान भी और इंसान भी, सिवाय बदबू और गंदगी और दल। देखो तो सही, इस भगवान के भक्त को कहीं वो जीसस क्राइस्ट क्रॉस तो नहीं पहन रखा है गर्दन में उस सफेद कोतिया का। क्या कहा अपनी बहन के बारे में? बहन कहां से आ गई तेरी हरामी की औलाद? क्यों मेरी कसम तोड़वाने पे तुले हो अभी 32 के 32। मत मत ना कहो पैसे में जब तक गिन न लूं, उसमें मेरा हिस्सा भी है। कोई किसी का साथ नहीं देगा, लड़ मरने दो इनको, दोनों एक ही थैली के चट्टे बच्चे हैं। देखना कहीं मर ना जाए, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। बहुत उम्दा, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहा है राजा। बोलो मेरा वो काम हुआ कि नहीं?
दौलता। पहले जवाब दो हाँ या ना। यही तरीका है तुम जैसे कमीने जुआबाजों से हिसाब छुपाने का। ये मत भूलो, उस 2 लाख में मेरा भी हिस्सा है। ये आज मेरी वजह से तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा है। चुप रहो गधे की औलाद। उस जीते हुए रुपए में से मेरा भी कमीशन बाकी है। बकवास बंद करो सुअर। मैं पहले इससे निपट लूं, बाद में तुझे भी देख लूंगा। जवाब दो हाँ या ना। अगर हाँ है तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और अगर ना है तो तुम्हारी लाश निकलेगी यहां से। अरे बेवकूफ, तूने मुझे मार डाला, नहीं तो आज तुझे वो राज मालूम हो गया होता जिससे तेरी सारी जिंदगी का रुख बदल जा रहा। मास्टर, मैं तुम्हारा खून करने नहीं आया था, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं नहीं जानता मेरा भगवान कौन है चंद्रा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र और सबसे प्यारी चीज की सौगंध खा के कहता हूं कि इस बार मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मर्डर, 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 डेलिबरेट प्लैंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये खून जानबूझकर ठंडे दिल से किया गया। योर ऑनर, मुलजिम ने न सिर्फ अपने मालिक का खून किया जिसके टुकड़ों पर ये बरसों पलता रहा, बल्कि इस आदमी की सारी जिंदगी जुआ, धोखेबाजी और जुर्म की एक लंबी कहानी है। इस कत्ल का सिर्फ एक वाहिद मकसद था, इंतकाम। जाति दुश्मन मास्टर ने मुलजिम को नौकरी से अलग कर दिया था और इसके बार बार काम मांगने पर भी इसे वापस नहीं रखा। मुलजिम का जुर्म साबित करने के लिए मैं कोर्ट के सामने चंद गवाह पेश करना चाहता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर रानड़े। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर रानड़े, आपने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है बयान कीजिए। जब मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो मैंने देखा मास्टर की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी, और मुलजिम बार बार यही कह रहा था कि मास्टर मैं तुम्हारा खून करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। और जो लोग वहां मौजूद थे उनकी भी यही गवाही है कि मास्टर के पेट में चाकू मुलजिम ने ही मारा था। वहां के बिहारी, कत्ल से पहले तुम्हारी और मुलजिम की लड़ाई हुई थी? जी हाँ। मुलजिम ने तुम्हें मारा था? मारा था। हालांकि झगड़ा मैंने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि मुलजिम का जुए खाने में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? इसलिए कि वो मेरा दुश्मन था। तुम्हारा दुश्मन? किस लिए? इसलिए कि वो मेरा हम पेशा है, मुझसे बड़ा पत्तेबाज है और हाथ की सफाई में मुझसे बड़ा उस्ताद है। क्या मुलजिम वहां पर जुआ खेलने आया था? ये मैं नहीं जानता, मगर उसने खेलने से इनकार किया था। फिर मुलजिम के वहां आने का सबब? उसकी और मास्टर की कोई पुरानी दुश्मनी थी। और ऑनर गॉन, जो उसने मास्टर का कत्ल करके खत्म कर दी। अबू बकर, तुमने जूली से मुलजिम को क्या कहते हुए सुना? जी, मैंने उसे जूली को यह कहते सुना कि ये एक दिन उसके भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। थैंक यू योर ऑनर। अब मेरी आखिरी गवाही उस थैली का चट्टा पट्टा है जिससे मुलजिम के गहरे ताल्लुकात रहे हैं, लल्लू दादा। इस मुजरिम को एक मासूम बच्चे के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा मिल चुकी है। क्या तुमने चिल्ड्रंस होम में एक बच्चे का खून किया था? जी हाँ। क्यों? मुझे इस काम के लिए मुआवजा दिया गया था कि मैं चिल्ड्रंस होम में रहकर जूली के भाई पर नजर रखूं, और अगर वो कोई राज फाश करना चाहे तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। कैसा राज? उस गिरोह का राज जिसका वो बच्चा मेंबर था। कैसा गिरोह? वो गिरोह जो शहर में काले कारनामे किया करता है।
क्या वो गिरोह के किसी आदमी का नाम बतलाने जा रहा था? जी हाँ। कौन था वो आदमी? राजा। योर ऑनर, ये दोनों एक ही गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। कत्ल के जुर्म में एक को फांसी की सजा हो चुकी है। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि दूसरे को भी फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। Lawyer for defense. Lawyer for defense. मेरा डिफेंस काउंसिल मेरी अपनी जमीर है, मेरा आत्मविश्वास है योर ऑनर। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुझे अपने केस की खुद ही पैरवी करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है योर ऑनर? योर ऑनर, मुझे अपने गवाह तैयार करने का ना ही तो वक्त मिला है ना ही मौका, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां चंद ऐसे सच्चे और ईमानदार लोग मौजूद हैं जो अदालत के सामने मेरे चाल चलन पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं उन्हें उनके जमीर, उनके ईमान, उनके धर्म का वास्ता देकर अपील करता हूं कि बतौर गवाह नहीं बल्कि इंसाफ, समाज और इंसानियत की तरफ अपना फर्ज समझकर आगे आए। मैं उनसे फिर एक बार दरखास्त करता हूं कि वो आए और अदालत को बतलाएं कि वो उस आदमी के बारे में क्या जानते हैं जिसके सर पर कत्ल का इल्जाम लगा है, क्योंकि मैं साबित यह करना चाहता हूं योर ऑनर कि हालांकि मकतूल का कत्ल मेरे हाथों से हुआ, मैं कातिल नहीं हूं। मेरे पास आज अगर सर छुपाने के लिए छत है या इज्जत से रहने के लिए पैसा है तो सब राजा का दिया हुआ है। हालांकि मैं एक अदना नाचने वाली लड़की थी, लेकिन फिर भी इस आदमी ने अपनी दौलत का एक हिस्सा मेरे नाम कर दिया और खुद फुटपाथ पे आ गया। मेरा बाप और मेरा भाई मास्टर के हाथों खिलौना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद भी राजा ने मुझे आसरा दिया और अपनी सगी बहन से भी ज्यादा इज्जत दी। मैं वो वाकया कभी नहीं भूल सकती जब इस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर जलते हुए मकान में से एक बच्चे की जान बचाई जबकि हजारों की तादाद में लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। आपको कटहरे में आकर बयान देना चाहिए। आपकी इजाजत से यही बात मैं कटहरे में खड़ी होकर कर सकती हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। अब मैं आपकी इजाजत से पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के तमाम गवाहों को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर रानाडे, मौका वारदात पर मेरे अलावा आपने और क्या क्या देखा? टूटा फूटा फर्नीचर चारों तरफ बिखरा हुआ था। मकतूल की लाश के पास एक पिस्तौल पड़ा था और एक चाकू लकड़ी के तख्ते में धसा हुआ था। इस तौर पर किसी की उंगलियों के निशान थे? बिल्कुल थे। क्या वो निशान मेरी उंगलियों के थे? जी नहीं। जी शुक्रिया। लल्लू दादा, तुमने जूली के भाई जॉर्जी की जान किस लिए ली? वो तुम्हारा नाम जो बकने वाला था। क्या मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर किसके कहने पर तुमने उसकी जान ली? ये मास्टर का हुक्म था। तुम्हारे ख्याल से मुझे इस बात का इल्म था कि तुम्हें जॉर्जी का मुंह बंद करने के लिए चिल्ड्रंस होम में भेजा गया है? बिल्कुल नहीं। तुम फांसी पर चढ़ने वाले हो, हो सकता है कल को मेरा भी यही अंजाम हो। दुनिया छोड़ने से पहले तुम इस कोर्ट से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे पहले मास्टर अपने किए की सजा पा चुका है, क्योंकि यह वही शख्स था जिसकी वजह से मैं आज फांसी के तख्ते पर जा रहा हूं। बांके बिहारी, वो कौन सी बात है जो हम दोनों में एक थी? हम दोनों एक ही पेशे से ताल्लुक रखते थे। और वो पेशा क्या था? कार शार्पिंग, पत्ते लगाना। क्या ये धंधा हम अपने लिए करते थे? नहीं। तो फिर किसके लिए करते थे? मैंने पेट के लिए किया, जिंदा रहने के वास्ते। तुमने भी इसलिए किया होगा। इसका मतलब है कि उसके एवज में हमें पैसा मिलता था? नहीं, कमीशन मिलता था। कौन देता था वो कमीशन? मास्टर। मास्टर का कत्ल मेरे हाथों से हुआ? बिल्कुल हुआ। किस चीज से हुआ? चाकू से हुआ। बांके बिहारी, पेशे के एतबार से हम दोनों भाई हैं। बिल्कुल पेशेवर भाई हैं, हालांकि तुम मुझसे बहुत बड़ा गैम्बलर रहे हो। अपने सीने पे हाथ रख के कहो कि अगर मास्टर का खून चाकू से ना होता तो हम दोनों का खून किस चीज से हो गया होता? पिस्तौल से। वो कैसे?
वो मास्टर ने चला दी होती अगर चाकू इधर से न चलता। लेकिन तुमने भी क्या निशाना लगाया। अबू बकर, अबू बकर, तुमने मुझे जूली से क्या कहते हुए सुना? कि तुम उसके भाई की मौत का बदला जरूर लोगे। उस बदले के सिलसिले में मैंने किसी का नाम लिया था? जी नहीं। तो तुमने कैसे जान लिया कि मैं मास्टर से बदला लेने की बात कर रहा था? जी मैंने अंदाजा लगाया था। अंदाजा हकीकत नहीं होता योर ऑनर। मास्टर के सिवा और कौन हो सकता था जिससे ये जूली के भाई का बदला ले सकता था? इसलिए कि मास्टर ने ही जूली के भाई का खून करवाया। इसलिए कि जूली का भाई उसी गैंग से ताल्लुक रखता था जिसके तुम मेंबर थे। और वो गैंग किसका था? मास्टर का योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे उम्मीद थी कि मुलजिम जो बहुत ईमानदार और सच्चा होने का सबूत देने की फिक्र में है अपने एक ऐसे प्यारे गवाह को बुलाएगा जो कटहरे में खड़ी होकर अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दे। लेकिन लगता है कि मुलजिम घबरा गया क्योंकि इसके दिल में चोर है, काला है। योर ऑनर, मैं मिस गंगाराम को कटहरे में बुलाना चाहता हूं। मिस गंगाराम जिसके साथ मुलजिम के गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं, लेकिन इस आदमी की असलियत का भांडा फूटते ही वो ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। मुझे अफसोस है लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी कभार जख्मों को नष्टा लगाना पड़ता है। आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं मुलजिम से प्यार करती हूँ। प्यार कितना अंधा हो सकता है? ये लड़की उसकी जीती जागती मिसाल है। योर ऑनर, अब मैं सर गंगाराम को बुलाना चाहूंगा। सर गंगाराम जो हमारे समाज के बहुत बड़े खंभे हैं, जिनकी इज्जत और शोहरत के लिए उनकी बेटी का यह रोमांस एक बदनुमा दाग बनकर रह गया है। आप मुलजिम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि मेरी बेटी मुलजिम से प्यार करती है। हाँ, मुझे एक वाकया याद आया। मुलजिम ने दार्जिलिंग में गोल्ड कप जीता था और वहीं अपनी सारी पूंजी दान कर दी थी। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि मुलजिम कातिल है या नहीं, लेकिन इस नौजवान को देखकर यह महसूस होता है कि हमारे समाज से त्याग की भावना अभी मरी। ये मुलजिम और त्याग काफी ऊंचा मजाक है। क्या मैं मुलजिम से पूछ सकता हूँ कि वो जेल के सिलसिले में गए थे त्याग के या तपस्या के? मुझे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ गया था, इसलिए कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी। छोटी सी गलती? मुझे एक आदमी हरामी के औलाद कह के पुकारा, मैंने उसे घूंसा मारा। गलती से नाक की बजाय वो घूंसा उसके जबड़े पर जा लगा और उसके 32 के 32 दांत बाहर आ गए। तुम इस आदमी में, तुम्हें गलती से कोई गाली दे दे तो तुम उससे ऐसे ही मारोगे? किसी हरामी बच्चे को कोई हरामी कह के पुकारे तो वो क्या करेगा? गाली के बदले घूंसा मारेगा? नहीं, वो उसे प्यार करेगा। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि यह आदमी कितना खतरनाक है और वो हर खूनी होता है। क्या तुम अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक किरण पल भर के लिए फूटी थी लेकिन वो भी उन अंधेरों में गायब हो गई। तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? बचपन से कुछ उठती उठती बातें मेरे कानों में पड़ती रही हैं। मसलन, मास्टर ने मुझे अनाथ आश्रम से उठा के पाला था और चूंकि सबकी माँ होती है इसलिए मेरी भी एक माँ थी जो मेरे पैदा होती मर गई। और बाप? मालूम नहीं जिंदा है या मर गया। काश मुझे उसका पता होता, मैं अपने हाथों से उसका गला खोल देता। जैसे मास्टर को मार डाला तो? मैंने मास्टर को नहीं मारा है बल्कि वो अपनी मौत खुद ही मर गया। ये ठीक कह रहा है। तुम मास्टर के लिए क्या काम करते थे? मैं उसके लिए जुआ खेलता था। जुआ खेलता था योर ऑनर? मुझसे खिलवाता था योर ऑनर। लेकिन तुम उसे छोड़ सकते थे? मैं उसे छोड़ सकता था लेकिन तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए मास्टर मुझे हमेशा डराता था। तुम डरते थे जो गाली के बदले घूंसा मार सकते हो? इसलिए उसके पास मेरी जिंदगी का एक राज था। कौन सा राज? जिसके खुल जाने से बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। क्या यही वजह थी जो तुम उसका खून करने जुआ खाना पहुंचे? उसका खून करने के लिए नहीं बल्कि मैं जुआ खाना इसलिए पहुंचा कि वो मुझसे ब्लैकमेल का 2 लाख रुपया मांग रहा था। 2 लाख? जी। इतना रुपया तुम्हारे पास कहां से आया, कैसे आया? मैंने इन हाथों से कमाया जुआ खेलकर। मुलजिम ये कहना चाहता है योर ऑनर कि मास्टर के लिए जुआ खेलना बंद करके इसने अपने लिए जुआ खेलना शुरू कर दिया और उसके बाद आपकी वाकफियत के लिए ये बता दूं वकील साहब कि हर आदमी जिंदगी में जुआ खेलता है, सिर्फ उसके ढंग अलग अलग होते हैं। मेरा जुर्म ये नहीं है कि मैंने लाखों रुपया कमाया
मेरा जुर्म यह है कि मैंने वो रुपया दान कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैंने उस रुपए का हिस्सा उस लड़की जूली के नाम कर दिया, ताकि वो भी समाज की उस बेरहम और कठोर मशीन का शिकार न बन जाए जो अपने शिकंजे में आने वाली हर चीज को कुचल के पीस के रख देती है। मेरा जुर्म यह है कि मैंने गिरी हुई लड़की को बहन बनाया और एक ऐसे ऊंचे तबके की लड़की से प्यार किया जहां इंसान की मोहब्बत सिर्फ रुपए के तराजू में तोली जाती है। तुम्हारा जुर्म मेरा जुर्म यह है कि मैं अपने हाथों को फौलाद के हाथ देखना चाहता था, लेकिन मुझे सड़कों से उठाकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले चाहते थे कि मेरे ये हाथ उनके लिए सोने के हाथ बने रहे। मेरा जुर्म यह है कि मेरी मुजरिम जिंदगी के जिम्मेदार मुझे मार डालना चाहते थे और मैं जिंदा रहना चाहता था। और अगर मैं आज मार डाला गया होता योर ऑनर, तो सच्चाई बताने के लिए कोर्ट में कोई आदमी मौजूद नहीं होता। योर ऑनर, यह अदालत है, एक्टिंग का स्कूल नहीं। अगर कानून लफ्जों की जादूगरी से चकाचांद हो जाए तो इंसाफ का जनाजा उठ जाए, लेकिन कानून सबूत पर जाता है, सच्चाई पर जाता है, असलियत पर जाता है। और असलियत यह है कि मुजरिम ने मास्टर का सिर्फ कत्ल ही नहीं किया है, बल्कि उसे मारकर मैंने हैवानियत के दौर को खत्म किया है जो बच्चली और गिरावट को जन्म देता है। योर ऑनर, उसे मारकर मैंने बुराई की जड़ों को काटा है। और अगर समाज से गिरावट और अत्याचार को खत्म करना उससे उसके एक बदनुमा धब्बे को मिटा देना गुनाह है। है गुनाह है, किसी पर वार करना गुनाह है, किसी की जान लेना गुनाह है, किसी के पेट में चाकू भोंक देना गुनाह है, और उस गुनाह का एक बाल मुल्जिम कर चुका है। योर ऑनर, ये उसी सजा का मुस्ताहिक है जो किसी भी पेशावर कातिल को मिलनी चाहिए। नहीं योर ऑनर, ये आदमी कातिल नहीं है। अगर ये कातिल है तो इसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। योर ऑनर, जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहो। योर ऑनर, पुलिस ने अपने बयान में कहा कि मौका वारदात पे दो चाकुओं के निशान मिले, एक वो जिससे मास्टर का खून हुआ और दूसरा वो जो लकड़ी के तख्ते में धंसा हुआ था। मैं अदालत से ये दरखास्त करूंगा योर ऑनर कि दोनों चाकुओं पर उंगलियों के निशानात की दोबारा जांच करवाई जाए। चाकुओं पर उंगलियों के निशानात की रिपोर्ट पेश की जाए, तब तक लिए अदालत को मुलतवी किया जाता है। Proceedings may begin. Your Honor, अदालत में कल जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रामा था। एक पेशावर जुआरी ने दूसरे पेशावर जुआरी को बचाने के लिए नाटक खेला। जहां तक चाकुओं पर उंगलियों के निशानात का सवाल है, वो अच्छी तरह एग्जामिन कर लिए गए हैं और पुलिस दोबारा इसी नतीजे पर पहुंची है कि वो निशानात मुलजिम के ही है। इससे साफ जाहिर है योर ऑनर कि मुलजिम ने दोनों चाकुओं से मास्टर पर दो बार हमला किया। पहला वार खाली गया और चाकू लकड़ी के तख्ते में जा घुसा, और दूसरा वार जानलेवा साबित। यह झूठ है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। मुलजिम के इन दोनों वारों के बीच मास्टर उसे गोली से उड़ा सकता था, लेकिन खून से वह अपने हाथ रंगना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने गोली नहीं चलाई और मुलजिम के दूसरे वार का शिकार बना। इसके अलावा पुलिस के हाथ चंद और सबूत आए हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कत्ल मुलजिम ही ने किया और सोच समझ कर जानबूझकर जाती दुश्मनी के तहत किया। मुलजिम के कमरे की तलाशी लेने पर उसके ट्रंक से उसी के हाथ की लिखी हुई डायरी बरामद हुई है, जिसमें उसकी कुछ एंट्रीज हैं जो मैं अदालत को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। January 1, मैं मास्टर से नफरत करता हूं। मेरे बारे में वो कौन सा राज है जो उसकी मुट्ठी में बंद है, भगवान उसे धरती से उठा ले। January 24, मैं आज मास्टर की नौकरी छोड़ रहा हूं, भगवान मैं क्या करूं। December 6, हाँ इसे याद रखा जाए योर ऑनर, मास्टर का कत्ल इसी दिन हुआ था। मैं आज मास्टर से अपना हिसाब चुकाने जा रहा हूं, भगवान मुझे शक्ति दे। और जिस दिन भगवान ने मुलजिम को शक्ति दी, उसी दिन उसने अपना हिसाब चुका दिया। Here is the diary for your scrutiny, Your Honor. किसी के अंदरूनी जज्बात से खिलवाड़ खेलने का किसी को हक नहीं है योर ऑनर। वो राज जिसे मैंने एक मुकद्दस अमानत समझकर दिल की गहराइयों में छुपाए रखा है, उसे रोशनी में लाने का किसी को हक नहीं है। ये फोटो किसकी है? ये मेरी गुनाहगार माँ है योर ऑनर। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के सामने इसकी मट्टी पलीद हो।
इस वक्त कहां है? मर चुकी है। योर ऑनर, इस फोटो के पीछे कुछ लिखा है। अगर इसका ताल्लुक इस केस के साथ है तो पढ़ो। सीता देवी मेरी मां, जिसे मैं उतनी ही नफरत करता हूं जितना के प्यार। दोबारा पढ़ो। पूरा पढ़ो। सिर्फ मां का नाम सीता। फिर पढ़ो। सीता देवी। गौर से पढ़ो। आपको यकीन नहीं आता, खुद पढ़ लीजिए। आई एम सॉरी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? मैं वो फोटो देख सकता हूं? तुम्हारी माँ है? है नहीं थी, नहीं ये नहीं थी। मुझे इस कलंकनी को माँ कहते हो शर्म आती है। ऐसा मत कहो बेटा, वो कोक जिसने तुम्हें जन्म दिया निष्कलंक है। एक अच्छी माँ का बेटा मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालता। कहा था कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर चली गई, फिर तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि ये फोटो तुम्हारी मां का? बचपन से ही मेरे बक्से में ये फोटो रही है और मैंने इसे हमेशा सीने से लगा रखा। ये सही है कि मुझे अपनी मां बिल्कुल याद नहीं, लेकिन जब भी इस तस्वीर को देखता हूं मेरा दिल, मेरी आत्मा चीख चीख के कहती है कि यही मेरी मां है। अगर कभी इसी तरह अचानक तुम्हारे बाप की तस्वीर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा उसे पहचान सकेगी? अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम? मालूम नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। काश मुझे अपने बाप का पता होता, मैं उसे उसकी कब्र से खोद के निकाल सकता। Your Honor, अगर कोर्ट इजाजत दे तो क्या मैं उस औरत जो अभी बोल रही थी कटहरे में बुला सकता हूँ? इजाजत है। क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ। क्या तुम इस कोर्ट को बता सकती हो कि तुमने अपने बेटे और दुनिया से ये राज क्यों छिपा कर रखा? जब मैं गर्भवती थी तो मेरे प्रेमी ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। निर्दोष चांद की हत्या करने के बजाय मैंने उसे जन्म दिया। समाज और दुनिया की तोहमतों से बचने के लिए मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अनाथ आलिया में छोड़ दी। मन की शांति ढूंढते ढूंढते मैं ऋषिकेश पहुंची और वहां संन्यास ले लिया, लेकिन मां की ममता मुझे फिर बंबई खींच आई। आने पर पता चला कि मास्टर मेरे बच्चे को ले गया। तब से आज तक मैं यहां एक मंदिर में जी रही हूं। ये राज सिर्फ मास्टर को मालूम था, जिसका उसने हमेशा फायदा उठाया। क्या तुम जानती हो कि इस बच्चे का बाप कहाँ है? जी हाँ, मैंने हमेशा उन पर नजर रखी है। तो फिर तुमने उसके पास वापस जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब अपने बच्चे को जन्म देते वक्त उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो उसके जन्म के बाद उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ये कौन कह सकता था? इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना मुनासिब समझा।
तुम्हारे ख्याल में वो जिंदा है या मर गया? पता नहीं, जब मेरे लिए उनका होना ना होना बराबर है, तो अगर वो जिंदा भी है तो मेरे किस काम के। अब मैं अपनी बात इस दलील पर खत्म करता हूँ योर ऑनर, कि मुलजिम कोई नहीं, न ये, न वो कार्ड शार्पर, न मास्टर, और न ही वो हालात जिनमें ये नौजवान पला और बड़ा हुआ है। असली मुजरिम वो है योर ऑनर, जो आपके सामने खड़ा बोल रहा है। सजा का मुस्तहिक मैं हूं। और ये देवी मेरा पहला प्यार, जिसे मैंने अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था क्योंकि मैं बुजदिल था, और ये मुलजिम मेरा ही बेटा। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं योर ऑनर। कटहरे में खड़ा हुआ यह नौजवान कानून की नजर में कातिल साबित हो चुका है, लेकिन वो शख्स जो इसे कातिल साबित कर चुका है, इससे भी बड़ा कातिल साबित होगा। जिसका फैसला यह अदालत में, वो अदालत करेगी। मुझे सिर्फ उसी केस का फैसला करने का इख्तियार है जो कोर्ट के सामने है। चूंकि इस केस में सारे सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं, मैं मुलजिम को मास्टर के कत्ल के जुर्म में। सबूत सारे गलत है, राजा कातिल नहीं है योर ऑनर। मैं खत की वारदात का सही पहलू पेश करना चाहता हूँ योर ऑनर की। खून कैसे हुआ, किससे हुआ, किन हालात में हुआ, फैसला देने से पहले मेरी गवाही एक बार फिर से सुन ली जाए, मेरी यही इल्तिजा है। इजाजत है। पुलिस ने अपनी गवाही में कहा है योर ऑनर कि दोनों चाकुओं पर राजा की उंगलियों के निशान थे, वो सही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कत्ल राजा ने नहीं किया, वो भी सही है। मैं योर ऑनर आपको एक घड़ी के लिए मौका है वारदात पे फिर से ले जाना चाहता हूं। बहुत उम्दा, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहा है राजा। बोलो, मेरा वो काम हुआ या नहीं? पहले पिस्तौल हटा। पहले जवाब दो हाँ या ना। यही तरीका है तुम जैसे कमीने चुहबाजों से हिसाब छुपाने का। ये मत भूलो, 2 लाख में मेरा भी हिस्सा है। ये आज मेरी वजह से तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा है। चुप रहो गधे की औलाद। उस जीते हुए रुपए में से मेरा भी कमीशन बाकी है। बकवास बंद करो सुवार, मैं पहले इससे निपट लूं, बाद में तुझे भी देख लूंगा। जवाब दो हाँ या ना। अगर हाँ है तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और अगर ना है। जो चाकू तख्ते में जाके धस गया वो राजा का फेंका हुआ था, और जिस चाकू ने मास्टर का निशाना बनाया योर ऑनर, वो मेरे हाथ से निकला। इस हाथ से जो हमेशा दस्ताने के पीछे छुपा रहता है योर ऑनर, मेरा हाथ जला हुआ है, मेरा हाथ जला हुआ है, और यही वजह है कि मेरी उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं मिले। योर ऑनर, राजा के अल्फाजों को अब मैं दोहराता हूं कि अगर मेरा चाकू मास्टर पे वार न करता तो उसकी पिस्तौल हम दोनों को निशाना बना देती। मुकदमे की पूरी जांच के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजमान को अपनी जान की हिफाजत के लिए मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा, इसलिए अदालत इन दोनों मुलजिमों को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। अब मैं आपको भाभी कह के पुकारूं तो कोई इतराज तो नहीं?